देखो जो सीक्वेंस हमने अभी चलाया था ना क्लास का, उसके हिसाब से मैं अराउंड अराउंड डे अभी 10 पे पहुंच गया हूँ, ऐसे मान के चलो ठीक है। तो डे 10 वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आज वाला, ठीक है। थोड़ा सा जग के बैठना सब लोग, और बहुत ट्रिकी टॉपिक है आज का, ठीक है, ऐसे मान के चलो। और जब तक आप लिनक्स पे काम करोगे, ये टॉपिक कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं पीछा छोड़ेगा? क्योंकि फाइल्स में हमको कंटिन्यू काम करना पड़ता है, और फाइल्स के अंदर हाथ चलाना हमको नहीं आता कि किस शॉर्ट की से होता क्या एग्जैक्टली, या कौन सी शॉर्ट की क्या काम करती है, या कुछ मुझे करना है तो वो किस क्या प्रेस करूं कीबोर्ड से कि वो हो जाए। तो ये टॉपिक इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि आप एज अ लिनक्स एडमिन हो, चाहे आप स्क्रिप्ट एडमिन है या प्रोग्रामिंग करते हैं, आप वीआई और विम तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं कर रखी है आपने, बट हाँ जितना डेली यूज में रूटीन टास्क होता है ना, एटलीस्ट वो हम सबको आना चाहिए, ठीक है। टॉपिक में कहां से स्टार्ट करूं, फिर दोबारा सुनो। मेरी जो इंडेक्सिंग चल रही थी कल, मैंने जो बताया था हमारा ये वीआई विम का बेसिक टॉपिक मैंने कवर किया था, लेकिन जो एडवांस वाला पार्ट है थोड़ा सा मिसिंग था मेरा, ठीक है। तो ये टास्क पहले मैं आज अभी कवर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर समय बचेगा तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा टॉपिक को लेके। तो ये रिकॉर्डिंग में क्या कर रहा हूँ अभी, आपकी आज वाली मैं पहले डे 10 का इसको मैं एक तरीके से पार्ट 1 मान लेता हूँ, ठीक है। फिर समय बचेगा तो पार्ट 2 बनाऊंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, पार्ट 1 में हमने इस टॉपिक का जो पढ़ा था वीआई विम का, हमने उसमें ये सीखा था कि जी एडिट कमांड कैसे काम करती है, वीआई कमांड कैसे काम करती है, विम से कोई फाइल बना भी पाते हैं, वीआई विम से हम लोग जी एडिट से भी लिख भी पाते हैं, डेटा राइट भी कर पाते हैं। बट एक मैंने बात बताई थी क्या, कि जी एडिट कमांड ओनली जीयूआई मोड में सपोर्ट करती है, सीएलआई इंटरफेस में सपोर्ट नहीं करती। तो ट्राई करिए वीआई और विम आप हमेशा सीख लें आप। हाँ अभी फिलहाल वीआई और विम आपके लिए ऑलमोस्ट सेम है, बट ट्राई करना कि अगर विम का पैकेज आपके पास है तो विम ज्यादा मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आपको, ठीक है। तो हमें फिर पढ़ना क्या है, एक बच्चे ने अगर मुझे ये बोला कि सर ये टॉपिक तो मुझे आता है, कैसे आता है मैं आपको बता दूं कितना आता है आपको। देखो आपको भी सिर्फ इतना आता है, जैसे कोई आपसे बोले कि भाई एक फोल्डर बना, चलो जी फोल्डर बना दिया। अब मैंने बोला इसके अंदर ब्लैंक फाइल बना दे बस, ब्लैंक फाइल, तो सर मैं ब्लैंक फाइल बन गया। अब मैं बोलूं नहीं ये ब्लैंक नहीं बनाना, इसमें जाके लिख और लिख के सेव करके दिखा पहले मुझे। तो मैंने क्या किया, फाइल से कंसोल खोला, आई प्रेस किया यहां पर लिखने के लिए, और कुछ भी मैंने यहां पर लिखा, बाहर आने के लिए मैंने पहले एस्केप दबाया और मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट कॉलन लगाया नीचे, और डब्ल्यू क्यू करके मैंने एंटर मार दिया। बहुत अच्छी बात है सर, देखो फाइल आपकी है, डन। अब मैंने कैट किया डेटा एबीसी, तो इसमें वो कंटेंट मुझे नजर आ रहा है जो मेरा कंटेंट इसमें था। मैंने कहा नहीं मुझे दोबारा एडिट करना फाइल को, तो क्या करोगे, सेम तरीके से फाइल में दोबारा गया, आई प्रेस किया, फिर मैंने एंटर मारा, मैंने कुछ भी यहां पे लिखा। ये मुझे लगता है सबको इतना बेसिक बेसिक सबको आता है, और फिर फाइल को दोबारा मैं ओपन कर पा रहा हूं। मैंने बोला कि नहीं ऐसा कर, टेम्प के अंदर एक फाइल बना रजत के नाम से और उसमें कुछ लिख के दिखाओ मुझे आप। मैं फाइल में गया, आई प्रेस किया, कुछ भी लिखा मैंने, फाइल को कॉलन डब्ल्यू क्यू से मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। मैंने कहा फाइल में जाओ, नहीं कुछ चेंज नहीं करना है, चुपचाप से बाहर निकलो। तो कॉलन क्यू से मैंने क्विट विदाउट क्या कर दिया, सेम सेव कर दिया। बट मैंने एक बात बोली थी आपको कि अगर फाइल में आई प्रेस करके आपने कुछ भी हल्का सा भी इसमें लिखा और आपका मूड चेंज हो गया कि मुझे फाइल सेव नहीं करनी, तो कॉलन क्यू काम नहीं करेगा, ये वार्निंग आएगी और आपको इसके बाद क्विट फोर्सफुली करना पड़ेगा, याद रहेगा सबको। हाँ यस जी, तो फिलहाल आपसे कोई पूछे कि एम के डी आई आर में और वी आई कमांड में डिफरेंस बताइए, तो बोलो एम के डी आई आर सर सिर्फ आपकी डायरेक्टरी बनाती है, वी आई कमांड किसी भी फोल्डर के नीचे बैठ के हम फाइल्स बना पाते हैं, लिख पाते हैं, डेटा को एडिट कर कर पाते पाते हैं। हैं। बट कोई पूछे सीडी में और फिर वीआई में डिफरेंस बताइए अब क्या होता है, तो बोलो सीडी से भी कहीं घुसते हैं हम लोग और वीआई से भी कहीं घुसने का काम करते हैं, लेकिन सर सीडी से डायरेक्टरी में घुसते हैं हमेशा और वीआई से कहां घुसते हैं, हमेशा फाइल के फाइल अंदर के अंदर। अब ध्यान दो, कुछ बच्चे महान होते हैं हमारे बैच में, एक दो ये वाली कमांड चलाते हैं, कमांड चल रही है कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा कमांड चलाता है वीआईएम डेटा, क्या कमांड, एम डेटा डेटा। तो जब ये ऐसा आउटपुट आए ना, तो एक बार ऐसे करना अपने पीछे ऐसे करके, ठीक है, कि मैं एक महान आदमी हूं वो करने की कोशिश कर रहा हूं जो कोई नहीं कर पाया है। की डायरेक्टरी हो गई फाइल की तो जगह। यहां हिंदी में नीचे पढ़ना ध्यान से क्या लिख के आ रहा है कि भैया आप ना गलत जगह घुस गए हैं, आप डेटा के नीचे एबीसी तो है बट आपने पाथ में एबीसी बताया नहीं है आपने, तो इस ये क्या है, डायरेक्टरी है सर।
तो इस एरर को क्या करोगे? इस एरर के लिए क्विट फोर्सफुली करना है आपको। क्या करना है? क्विट क्विट फोर्सफुली, फोर्सफुली करना है। याद हो गया? हाँ यस याद हो गया। अब एक यस टॉपिक को मैं आगे सर, बढ़ाऊं, उसके पहले इतना मुझे बता दो कि सबको शायद इतना पता लग गया है कि यार फाइल में जब घुसते हैं कोई भी फाइल के अंदर, तो एक कंसोल ओपन होता है। आई प्रेस करे बिना उसमें लिख नहीं सकते, कुछ भी लिखते हैं, लेकिन बाहर आने के लिए पहले एक बार एस्केप करना मैंडेटरी है, क्योंकि इंसर्ट मोड से एग्जिट करना पड़ेगा। यस सर, सेव करना है तो कॉलन डब्ल्यू क्यू करते हैं, या कॉलन एक्स करते हैं, या मैंने आपको बताया था शिफ्ट के साथ आप जेड जेड कर सकते हो भाइयों। शिफ्ट क्या बताया था? शिफ्ट के साथ जज। जेड जेड। अब क्यूट के लिए मैंने क्या बताया? मैंने कहा चलो कॉलन क्यू ट्राई किया करो, बट ये काम ना करे तो क्यूट फोर्सफुली वाला सिंबल आपको क्या करना पड़ेगा? यूज करना करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पड़ेगा। इतना सबको क्लियर है? हाँ जी सर। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा था इंटरव्यूज के अंदर कि लिनक्स में आपको किसी टीचर ने पढ़ाया था कि शिफ्ट जेड जेड से फाइल सेव हो जाती है। दोबारा देखो प्रैक्टिकल मेरा, जगह लेना सब लोग। फाइल में गया, कॉलन एक्स कर रहा हूं, फाइल सेव क्या हो रही है? सेव हो रही है, कॉलन डब्ल्यू एक्स करूं तो सेव इन, सेव हो रही है। सेव इन सेव, क्विट, सेव इन क्विट और दोनों हो रही है। कीबोर्ड से शिफ्ट जेड जेड, कोई दिक्कत नहीं है, फाइल में आराम से घुस पा रहा हूं। ध्यान से सुन लो। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ लिनक्स में आपने किसी फाइल को गलती से सस्पेंड मार दिया है, आपने क्या कर दिया है? सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड क्या होता है सुनो ध्यान से आप लोग। जैसे क्या होता है, आप सिस्टम में भी काम कर रहे थे और फाइल के अंदर बैठे थे, आप एकदम से लाइट चली गई, क्या हो गया? लाइट के लिए लाइट गई सस्पेंड। जी तो ये फाइल आपकी ओपन रह गई ना एक तरीके से, सर, आपने क्लोज तो नहीं करी, पर सिस्टम यस जब ऑन करोगे ना तो ये फाइल आपकी ओपन नहीं होगी। पता है क्यों? ये एरर देगा कि फाइल तुम्हारी पीछे ओपन अवस्था में पड़ी हुई है। है, या फिर गलती से अभी आपने इसको बंद कर दिया। ध्यान से सुन लो, जो बच्चे घर पे ही हरकत करते हैं मुझे फोन करते हैं कि सर वो फाइल में घुस रहा हूं ना, वो स्वैप फाइल का एरर आ रहा है, पता नहीं क्या है, वो एसडब्ल्यूपी फाइल बन गई है मेरे मशीन के अंदर। बताने जा रहा हूँ उसका आंसर क्या है। आपके बैच में से कई बच्चों ने मुझे फोन किया है, मैंने कहा क्लास आने दो, उस दिन मैं बताऊंगा उसको सॉल्व कैसे करते हैं, अभी तक मैंने उनको जवाब नहीं दिया था, ठीक है, और वो ऐसे ही काम चला रहे हैं। अच्छा ये बताओ, इसको बंद करने से क्या ये फाइल सेव हो जाएगी? हाँ जी नहीं सर, नहीं। नहीं होगी ना। ध्यान से सुनो, बच्चे ने गलती क्या करी है पता है? उसको मैंने पढ़ाया था शिफ्ट जेड जेड, उस भाई साहब ने शिफ्ट जेड जेड ना करके उसने किया है कंट्रोल जेड। क्या किया है? कंट्रोल क्या किया है? जेड, लिनक्स में कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का मतलब होता है किसी प्रोसेस को स्टॉप कर देना, मतलब उसी अवस्था में छोड़ देना, पॉज कर देना उसको। तो ये पता है क्या हो गया है? सस्पेंड हो गई ये प्रोसेस आपकी। कैसे? ध्यान से देखोगे एरर क्या, देखो वहां पे क्या एरर है, देखो स्टॉप, स्टॉप्ड है। तो स्टॉप। अगर कोई पूछे कि आपकी इस मशीन में कौन सी प्रोसेस तुमने बैकग्राउंड में चला के छोड़ दी है, जो तुमने प्रॉपर बंद नहीं करी है, कैसे पता करोगे आप? देखो साफ साफ हिंदी में बोल रहा है कि एक कमांड तुमने चलाई थी, बट इसको आपने इज्जत के साथ क्लोज नहीं किया, नहीं किया है, ये स्टॉप्ड हो रखी है प्रोसेस, पीछे बैकएंड में टर्मिनेट कर दी है आपने रन टाइम पे। क्या कर दिए? टर्मिनेट। टर्मिनेट कर दिया रन टाइम। या आप बीजी कमांड चलाओ, बीजी कमांड बता रही है, कह रहे भाई साहब आप विम कमांड से एक फाइल में घुसे थे लेकिन फाइल को तुमने सेव नहीं किया है, आप फाइल को ऐसे ही उसी अवस्था में छोड़ के बाहर आ चुके हो। आ चुके हो। तो अब बच्चा पता फोन क्या करता है, कह रहा है कि मैं डेटा के अंदर एबीसी में घुसना चाह रहा हूँ सर, पता नहीं ये एरर आती है घर पे, ये क्या है, रेड कलर का एरर आता है और यहाँ पे लिख के आता है कि डॉट हिडन फाइल बन गई है डॉट लगा के, और क्या आ रहा है उसके पीछे? SWP ध्यान से देखो लिख रहा है, कह रहा है रूट के द्वारा इतने बजे फाइल में घुसे थे, गलती से आपने फाइल को ओपन अवस्था में छोड़ दिया है, ओपन मोड में छोड़ दिया है, प्रोसेस आईडी आपकी स्टिल अभी क्या है, रनिंग है। रनिंग है, क्या करिए? क्यू से कह रहा क्यूट करके बाहर आ जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या करा मैंने क्यूट से? बाहर आ गए सर आप। तो इसका एक देसी तरीका बता रहा हूं, कैसे सही करोगे इसको आप? देसी तरीका ये है कि ये प्रोसेस का नंबर कितना आ रहा है यहाँ पे, वन 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 बोले तो
अब सुनो, जैसे पांच प्रोसेस होती हैं, तो 1 2 3 4 5 नंबर आते। हाँ जी, हाँ जी सर। सर, जी अच्छा, सर, कोई आपसे पूछे लिनक्स में कंट्रोल जेड से प्रोसेस सस्पेंड करनी है, मेरा मन है ऐसा, मुझे रोकना है उसको वहीं के, मैं उसी मोड में छोड़ देना है मुझे, और जब मैं दोबारा रिज्यूम करूंगा तो कर लूंगा वापस से, तो कंट्रोल जेड क्या गलत है? क्या गलत नहीं नो है, सर, नहीं सर, बट आपको यहाँ कंट्रोल जेड चाहिए नहीं था और आपने गलती से क्या कर दिया है? प्रेस कर दिया, प्रेस टर्मिनेट कर कर दिया दिया है। प्रोसेस इसका सर, मतलब आपको ये नहीं पता लिनक्स में कंट्रोल सी अलग चीज होती है और कंट्रोल जेड क्या होती है? अलग चीज होती अलग होती है। है, ध्यान देना, कंट्रोल जेड का मतलब होता है प्रोसेस को सस्पेंड कर देना। क्या कर देना? अब जो सस्पेंड सस्पेंड नहीं, हुआ उसको जब तक रिज्यूम नहीं मारोगे तो क्या वो प्रॉपर काम करेगा? तो कह नो रहा सर, है बैकग्राउंड में प्रोसेस सस्पेंड पड़ी है, क्या करो? मैंने कहा भाई सॉरी, मैं आपको रिज्यूम करना चाहता हूँ उसी मोड में जहां मैं था। तो कह रहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब आप FG कमांड चलाओ और यहां पे लिख दो, क्या क्या लिखो? वन ये वन रट्टा नहीं मानना है, यहां जो नंबर आगे दिखाई देगा वो नंबर आगे डाल देना है डालना यहाँ है। पर। एंटर मारो, फाइल उसी जगह पे आ गई जहां कर्सर, देखो आपने बिलिंग करते हुए आपने छोड़ा था, छोड़ा छोड़ा था। था। अब इसको आपको टाइपिंग करनी है, अब करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको अब आपको इज्जत से सेव करके आना है, तो क्या करोगे? कॉलन W क्यों? Q। अब पूछो BG से, कह रहा नहीं अब ठीक है भाई। जॉब से पूछो, कह रहा भाई अब कुछ भी नहीं है। तो अब फिर उस फाइल को दोबारा ओपन करोगे तो वो एरर आएगा पहले वाला? नहीं, नहीं आया। दोबारा से कह रहा हूं, टॉपिक फिर सुन लो, कोई आपसे पूछे लिनक्स में आप किसी फाइल में काम कर रहे हैं, आप 200 250 का प्रोग्राम, आपने लाइन का प्रोग्राम लिख दिया, लेकिन वो फाइल आपको सेव नहीं करनी, वहीं सस्पेंड छोड़ देनी है फाइल आपको, तो क्या कंट्रोल जेड करना गलत है? सर गलत तो नहीं नो है, सर, बट सर वो फाइल तब तक काम नहीं करेगी मशीन में जब तक उसको मैं रिज्यूम नहीं करूंगा, नहीं नहीं कर करना। दूंगा। तो मैंने बाई चांस वाली बात इसको जानबूझ के फिर दोबारा कंट्रोल जेड कर दिया, मैंने क्या कर दिया कंट्रोल जेड, बता रहा है? हाँ जी, हाँ जी, तो क्या ये फाइल दोबारा अब ओपन होगी BI कमांड से नॉर्मली नहीं, जब ये एरर आया करे? अब इसका मैं देसी तरीका बता रहा हूं आपको, ये क्या करता है पता है? उसी जगह पे आगे डॉट लगा के स्वैप फाइल जनरेट कर लेता है, एक वर्चुअल फाइल बन गई है उसके से मान के चलो। तो इसको एक देसी तरीका बता रहा हूं आपको, जिनको BGFG कमांड समझ में नहीं आ रहा है, इसको ऐसे कॉपी करना पाथ को और RM-RF से क्या कर देना ऐसे, रिमूव हाँ करें, डिलीट कर देना। ओनली ABC मत लिख देना यहाँ पे, नहीं तो तुम्हारी मेन फाइल क्या होगी? डिलीट हो जाएगी, डॉट डिलीट हो जाएगी। लगा रहा हूं आगे और क्या लिख रहा हूं पीछे, डॉट स्वैप SWP। SWP, हाँ अब देखो आगे फाइल के अंदर जी, दो तरीके बता दिए आपको घर के लिए, ये देसी तरीका है लेकिन ये हर जगह काम नहीं करेगा, ये तरीका वहां काम करेगा जो फाइल अगर आपने सस्पेंड करी है तो, बट कोई पूछे इंटरव्यूज में कोई भी कमांड चल रही थी स्क्रीन पे वो तुमने सस्पेंड मार दी तो क्या ये कमांड काम करेगी फिर? नहीं नहीं सर, उसमें तो फिर यही टॉपिक काम आता है, FG के सामने क्या लिखूंगा मैं, जो नंबर शो करेगा, वो नंबर लिखूंगा तो वो प्रोसेस उसी जगह से दोबारा रिज्यूम हो जाएगी जिस जिस स्टेज में मैंने क्या किया था उसको टर्मिनेट हो रहा था, छोड़ा टर्मिनेट था, किया था या फिर सस्पेंड किया, सस्पेंड किया था। छोड़ा था, पहला तो बात मुझे कमांड। बताओ, जो भी बच्चा बैच में, क्या नाम है यार मुझे नहीं पता, आपके बैच में से 2 3 बच्चों ने इसी एरर के लिए मुझे फोन किया था कि सर हम फाइल में जाते हैं और वो भाई साहब शिफ्ट जेड जेड ना करके बार बार क्या आदत डाल रहे हैं, वो कंट्रोल कंट्रोल जेड। प्रैक्टिस दोबारा करके दिखाऊं, फिर देखो सिस्टम की कोई फाइल है मान के चलो होस्ट नेम, डन, आप इस फाइल में घुसे, होस्ट नेम डाला, बट आप गलती क्या कर रहे हो कंट्रोल जेड करके, बाहर आ गई, बाहर आ अब गई, वही बच्चा दोबारा फाइल में घुस रहा है तो फिर ये एरर आना स्टार्ट हो गया। तो समझ में आ गया ये एरर नहीं है वार्निंग है, कह रहा है आपने प्रोसेस आईडी को रन करके छोड़ दिया, तो क्या करोगे देसी तरीका इसका? ऐसे कॉपी किया करो और यहां पे आके होस्ट रिमूव, डिलीट कर दो। नेम मत लिख देना, लेकिन डॉट लगाया है मैंने आगे और पीछे क्या लिखा है SW, पी पी ऐसे समझो जिस जगह फाइल होती है ना उसी सेम जगह पे डॉट उसकी एक हिडन फाइल बन जाती है और SWP फाइल के नाम से, डन। वापस जाओगे सर, इज्जत से तो फाइल में एंटर, एक तरीका तो ये है घर के लिए, और एक दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, एफजी कमांड, पहला वाला तरीका में ये था कि BG कमांड चलाओगे,
नंबर आगे आएगा और उसी नंबर को FG कमांड के सामने लिख दो, वहीं पहुंच जाओगे जहां पे फाइल आपने सस्पेंड की थी। तो करी थी, आपने कर लोगे। सर जैसे आप हाँ बता रहे हो कि शिफ्ट करके जेड जेड करना है, हाँ तो सर मेरे ना लैपटॉप में मैं ना कंट्रोल जेड जेड करता हूँ, तो ऐसा कुछ भी मतलब ऐसे नहीं आता, वो डायरेक्ट बाहर आ जाता हूँ उसमें। पता नहीं सर क्या हो रहा है उसमें। वो गलत कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, पर सर सस्पेंड भी नहीं हो रही फाइल मेरी, मैं दोबारा खोलता हूँ तो खुल जाती है वो। आपके लैपटॉप में ना वो शिफ्ट जेड जेड डायरेक्ट काम नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब आप फंक्शन दबा के करो, फिर आप अच्छा फंक्शन की सर, काम इनमें करती है से फिर आपके बेटर लैपटॉप वाला में। कौन सा है, डब्ल्यू क्यू है या फिर? ओके आपकी मेमोरी में जो सेव हो गया वो दोनों में याद कर लो आप, ठीक है। सुनो, मैं टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ। फिलहाल मुझे बताओ, एक डायरेक्टरी बनाना, डायरेक्टरी को एलएस करना, डायरेक्टरी के अंदर घुस के फाइल बनाना, उसको सेव करना, सबको आ गया बड़े प्यार से? जी गेट यस सर, कमांड से फाइल को स्क्रीन पे पढ़ना, सबको समझ में आ गया? हाँ जी सर, यस अब सर। सीडी में और वीआई में क्या डिफरेंस है बता दोगे? सर सीडी से भी कहीं पे जाते हैं और वीआई से भी जाते हैं, पर सीडी से सर डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं हमेशा, और वीआई से किसके अंदर जाते हैं? फाइल के अंदर, फाइल फाइल के के अंदर अंदर। जाते हैं। बट वो आपसे पूछेगा कि नहीं, हम तो वीआई कमांड से भी डायरेक्टरी में चले जाते हैं, तो बोलो सर वो गलत कमांड है। क्या है वो? ये क्या गलत है सर? ये गलत गलत है कमांड, सर, वो नीचे एरर आएगा, डायरेक्टरी। इज अ क्या है, डायरेक्टरी। सर मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे मुझे इज्जत से पहले क्या करना पड़ेगा सर? बाहर आना है मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा ABC, तो मैं फाइल में प्रॉपर क्या करूंगा, एंट्री। कर पाऊंगा, कर पाऊंगा लेकिन सर इसमें जाना था मुझे डेटा के अंदर, तो VIM नहीं लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा फिर? सीडी। सीडी, याद हो गया, हाँ परफेक्ट। जी सर। सर आगे बढ़ू, अब मैं बताने जा रहा हूं क्या। क्लोज करने के लिए, सर क्लोज करने के लिए RM-RF के इंस्टेड आपने एक और चीज दिखाई थी, FG और ID लिखने से भी क्लोज हो जाता है। क्लोज नहीं होता, FG का मतलब था कि फॉरग्राउंड, आप रिज्यूम कर रहे हैं प्रोसेस को दोबारा से। ओके, DG देन का यू मतलब था सेव कि इट बैकग्राउंड में क्या यूजफुली। चल रहा है वो दिखाइए। मैंने ओके कहा मैं उसे रिज्यूम करना चाहता हूँ, फॉरग्राउंड करना चाहता ओके हूँ, तो मैंने कहा FG स्पेस दिस, तो वो उसे वहीं लेके जाएगा जहां पे आप बैठे थे फिर आप। ओके, एंड देन यू कैन सेव इट ग्रेसफुली और दूसरा हाँ, वो देसी फिर तरीके आपकी से भी। मर्जी है, ओके ठीक है। RM-RF वाला तरीका जो मैंने बताया ना, वो रिकमेंडेड तरीका नहीं है, वो एक मैंने ट्रिक बताई है जो मुझे पता थी कि भाई ऐसे भी इसको मैं कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है वो सर। जनरली आपको बुक्स में रिकमेंडेड तरीका नहीं एफजी है। बुक में हमेशा लिखा होता है कि पहले बच्चे को बोलो VG कमांड से चेक करे, उसका नंबर निकाले, और FG कमांड के आगे नंबर देके दोबारा प्रोसेस को क्या कर सकता है, वो रिज्यूम कर दे, कर सकता है रिज्यूम कर लिया करे, वो सर। ज्यादा। प्रोडक्शन हाँ में तो सर हम ये यूज करेंगे ना, जो एफजी और एफबीजी बताया सर आपने। ठीक वही यूज करोगे। है, चलू आगे, यस यस फिलहाल सर। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आज वाली क्लास में जो भी बच्चा बैठा है उसको बेसिक डायरेक्टरी मैनेजमेंट, बेसिक फाइल मैनेजमेंट उसको आता है, क्या नहीं आता उसको, अब वो सुनो ध्यान से। अगर मैं एक बच्चे को बोलूं कि क्रॉन्टैब वाली फाइल में घुस और ये 3 लाइन मुझे कॉपी करके दिखा और नीचे यहां पे पेस्ट कर, ये कट कर यहां से, ये अंडू कर, डिलीट कर, ये सब अभी हमको खेलना फाइल के साथ? हाँ, हाँ जैसे अभी लास्ट क्लासेस में हम लिनक्स की कमांड के साथ खेल रहे थे, आपको याद है? लगातार कमांड कैसे बनाते हैं, कमांड कैसे बनाते हैं, कमांड में पाइप सिंबल क्या करता है, सेमी कोलन क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, वो सारा कमांड के साथ खेल रहे थे। आज अभी 1-1.5 घंटे का सेशन पूरा फाइल 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 में खेलूंगा मैं आपके सामने, ठीक है। और क्यों खेलूंगा सुनो ध्यान से, क्योंकि फाइल मैनेजमेंट जब तक आपको अच्छे से नहीं आएगा तब तक लिनक्स एडमिन की तरह बहुत अच्छा काम नहीं कर पाओगे, आप जुगाड़बाजी करोगे फिर आप बैठ के, आप ठीक है, सीखो उसको ध्यान से। अब आप, हम क्या करने जा रहे हैं, अब VI विम के एडवांस ऑपरेशंस बोलूं मैं या शॉर्ट कीज बताने जा रहा हूं कि VI विम में बैठते हैं तो कौन सी की प्रेस करोगे तो उससे लाइन डिलीट होती है, किससे कॉपी होती है, किससे कट कॉपी होता है, किससे पेस्ट होता है, किससे अंडू होता है, किससे डिलीट होता है, ये सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। एकाग्र मन से अब बैठना क्लास में, पूरा मजा आएगा आपको, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करूं, आपको 3 मोड याद कर लीजिए, बेसिक 3 मोड होते हैं फाइल के अंदर, आप इतना याद करिए पहले, और कुछ होते हैं वो आपके काम के नहीं फिलहाल अभी, आप 3 मोड याद करिए बस। कि इंसर्ट मोड होता है फाइल में एक, एक हमारा एस्केप मोड होता है, और एक हमारा कमांड मोड होता है, या इसी को कॉलन मोड बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? मोड कॉलन। पहली बात याद कर लो, इंसर्ट मोड में आप कुछ नहीं कर सकते, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, केवल लिख सकते हो बस, आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हैं, बस क्या मतलब है इस बात का जल्दी बताओ। डाटा एंट्री, उसमें एंट्री कर सकते हैं फाइल में।
जब आपसे कोई मॉडिफाई करते पूछे फाइल कि को। कोई लाइन कॉपी करनी है, पेस्ट करना है, अंडू करना है, डिलीट करना है, सर नहीं ये नहीं होता इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में जब मैंने बैठा हूं तो केवल मैं टाइपिंग कर सकता हूं, पर कोई की प्रेस करने से अगर कुछ होता है तो सर वो इंसर्ट में नहीं होगा। उसके लिए मुझे एक बार एस्केप करना ही पड़े। हाँ जैसे मुझे बताओ, कॉमन सेंस लगा के बताना, आप आई प्रेस कर दिया आपने, इंसर्ट मोड चालू हो गया। इंसर्ट मोड मतलब कीबोर्ड से टाइपिंग चालू हो गई, तुम लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो। अब मैं बोल रहा हूं डीडी प्रेस करो, डीडी से लाइन डिलीट हो जाएगी। अरे यार वो डीडी लिखेगा या डीडी का मीनिंग परफॉर्म होगा वहां पे? मीनिंग लिख पाएगा सर, परफॉर्म वो होगा, कॉलन लगा दिया। मीनिंग परफॉर्म एक बात होगा। हिंदी में याद कर लो, अगर मैं बोलूं कि ये प्रेस करने से ये होता है, ये प्रेस करने से ये होता है, ये प्रेस करने से ये होता है, वो ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ एस्केप मोड में होगा और किसी में नहीं होगा। याद कर लो, किस में होगा वो? सिर्फ एस्केप में एस्केप मोड, मोड में। क्योंकि इंसर्ट में आप लिख सकते हो। एस्केप मोड में क्या होता है? टू ओनली परफॉर्म परफॉर्म करेंगे। एनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशन यूजिंग एनी अवेलेबल, ध्यान से सुन लो, वीआई विम के अंदर डेवलपर ने जो शॉर्ट कीज बनाई हैं वो केवल कहाँ काम करती हैं? एस्केप मोड के अंदर। अंदर जैसे कोई आपसे पूछे आप आई प्रेस करके बैठे हैं आप, तो डीडी वाला जो ऑपरेशन है वो काम क्यों नहीं कर रहा है? सर सुनो, आप गलत मोड में बैठे हुए। आप क्यों इंसर्ट में बैठे हो तो करेगा। टाइप कर देगा उसको वो, ना कि डीडी का मीनिंग परफॉर्म। जैसे मैं यस बोलूं लाइन कॉपी करो, पेस्ट करो, अंडू करो, रीडू करो, डिलीट करो, कुछ भी करना है शॉर्ट की के द्वारा, सर वो काम नहीं करती जब तक एक बार एस्केप प्रेस। क्या कर दो, एक और नहीं गुरु करेगा। मंत्र याद कर लो, एक शॉर्ट की प्रैक्टिस करने के बाद आपको दूसरी शॉर्ट की प्रैक्टिस करनी है तो एक बार बीच में अगेन एस्केप करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? क्या करना स्किप पड़ेगा? करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा इस बात का मीनिंग क्या है, आपको जो बोलना चाह रहा हूं। मतलब डन ना? एक बार शॉर्ट की लगा दी तो दूसरी शॉर्ट की एक साथ नहीं चलेगी, ये कह नहीं, रहे हो आप? आपको एक ऑपरेशन खत्म हो गया, अगला प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है वापस से आपको, तो एक बार वापस क्या कर लिया करो। एस्केप से क्या होगा, पुराना वाला जो मेमोरी में चीज स्टोर थी ना वो वापस से क्या होगी? वो हट जाएंगी। जैसे सुनो, मैं आपको क्या पूछ रहा हूं, आपने सुनी नहीं मेरी बात। मैंने प्रेस किया 5YY तो वो नीचे की 5 लाइन कॉपी मारेगा, कितना कॉपी करेगा? पांच अब लाइन कॉपी मारेगा। मेरा मूड चेंज हो गया कि नहीं, मुझे तो 10 लाइन कॉपी करनी है, तो उसकी मेमोरी रजिस्टर में 5 लाइन तो कॉपी हो चुकी है ना, हाँ जी, तो इसको कैसे बोलोगे वीआई को कि भाई रुक, सॉरी 5 नहीं अब 10 करनी है मुझे? तो फिर आप 10YY करोगे ना तो काम नहीं करेगा। एक बार मेमोरी में से वो चीज पुरानी वाली हटाओगे, कौन सी वाली? 5YY वाला वाली। अब क्या करोगे? अगेन 10YY करोगे तो नई मेमोरी स्टोर। अब समझ में आ गया? एक यस ऑपरेशन सर का प्रैक्टिस हो जाए तो दूसरा ऑपरेशन करने के लिए आपको एक बार एस्केप की मदद लेनी पड़ेगी। याद हो गया? एक और बात, जी। ऑपरेशन उसी लाइन पे होगा जिस लाइन पे कर्सर बिलिंग कर रहा। जैसे एक लाइन नंबर से लेके ये 10 लाइन है फाइल के अंदर, 5 नंबर की लाइन पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है और तुमने मारा डीडी, तो वो 5 नंबर वाली लाइन को डिलीट करेगा, ना कि किसी और को याद रहेगा। जी अब मैंने करा 2DD, 2DD तो मतलब इंक्लूडिंग 5 नंबर एंड इंक्लूडिंग क्या है? 6 नंबर। क्यों? अरे 2DD का मतलब क्या है? एक ये और एक उसके नीचे वाली नीचे वाला, और नंबर नहीं लगाया तो बाई डिफॉल्ट ऑपरेशन कितनी लाइन पे होता है? एक लाइन तो पे। कितनी पे? एक एक। अब एक और बात याद कर लो, कॉलन मोड क्या होता है? ध्यान देना, लिनक्स में जब आप टर्मिनल पे कमांड चलाते हैं तो वो लिनक्स वाली कमांड कहलाती है। जब वीआई विम के अंदर कोई कमांड ऐसी है जो फाइल के अंदर कमांड फायर करो उससे कुछ होगा, फाइल के अंदर होगा लेकिन, तो उसको वीआई और विम बेस्ड कमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बेस जैसे कमांड। आपसे पूछे कॉलन डब्ल्यू क्यू है, ये भी क्या है? सर ये कमांड है लिनक्स की। क्या है? लिनक्स की नहीं कमांड है, किसी कमांड है? वीआई और की विम की कमांड है। जैसे कोई आपसे पूछे एक फाइल में घुसे आप, आपको लाइन नंबर सेट करना है सॉरी लाइन के आगे, तो कमांड होती है सेट नंबर। कौन सी कमांड है? सेट नंबर। तो ये सेट नंबर एंटर मारोगे ना तो आगे कॉलन लगाना पड़ेगा। कॉलन का मतलब होता है कोई भी ऐसी कमांड फायर करना चाहते हैं जिसको वीआई और विम समझता है और उस कमांड का जो रोल होगा वो उसे परफॉर्म कर दे। ना सीधी बात बोलूं हिंदी में, दोबारा याद कर लो, लिखने के लिए इंसर्ट मोड में जाना है बस, आपको कोई भी शॉर्ट की से कुछ करना है शॉर्ट की से तो एस्केप मोड में बैठना है, और किसी कमांड से कुछ करना है तो किस में बैठना है?
कोलन। किसमें? कॉलन मोड में, याद हो गया। हाँ अब जी इस आज वाले टॉपिक को करने के लिए एक सेंस लगाओ आप लोग, क्या कि सर जब तक कोई ऐसी फाइल मेरे पास ना हो जिसमें 10-20 लाइन अवेलेबल हो, तब तो आप बोल बोल के कुछ पढ़ा पाओगे, प्रैक्टिकल कर पाओगे ना मेरे सामने आप। हाँ जी, हाँ जी तो हम, और एक और बात, क्या वीआई विम की प्रैक्टिस कोई बच्चा इस ओरिजिनल फाइल में सीधे यही करने बैठ जाएगा क्या? नहीं अरे ये सर तो तुमने मेन फाइल करप्ट कर दी मशीन की। नहीं ना, ऐसा नहीं करना। हम क्या कर रहे हैं वो सुनो, डेली रूटीन में काम तो मेन फाइल में करना है हमको, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए मेन फाइल कभी यूज नहीं करते। मेन फाइल का बैकअप बना लो और उसमें प्रैक्टिस मारो, तो कोई दिक्कत? नहीं जैसे मान के चलो मैं आपको बोलूं, हेड हाइफन N20, इसकी यार ऐसा कर 20 लाइन कॉपी कर ले और एक एग्जाम्पल नाम की फाइल बना ले यहाँ पे। तो तुम्हारे पास ये फाइल बन गई, अब तुम वीआई विम की प्रैक्टिस इसी फाइल में करते रहो बैठे बैठे, तुम्हारे सिस्टम को कोई दिक्कत? नहीं है। हाँ घर पे आप भी ऐसे ही करना। पता क्या, देखो मैंने नोट्स में लिख दिया है ताकि बच्चा किसी मेन फाइल में प्रैक्टिस ना मारे, किसी फाइल का एक बैकअप ले ले वो, और बैकअप वाली फाइल में क्या करे अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट। जी आप बोलोगे बैकअप क्यों लिया आपने? अरे मत लो, अपनी फाइल बनाओ मैनुअली और उसमें 25-30 लाइन कुछ लिख लो आप बैठ के, लिखने में टाइम खराब नहीं होगा क्या आपका? हाँ खराब होगा ना। तो ऐसे समझो क्या, अब ये फाइल है और इसमें सारे प्रैक्टिकल में करने जा रहा हूं आपके सामने। यस, यस इसमें कुछ डेटा है और मैं जो बोलूंगा ना वो बोल बोल के मैं आपको बताऊंगा टास्क। डन। तो टास्क पहला यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या मैंने, देखो नोट्स को क्या किया है ना, ये समझ जाओगे ना घर पे आप प्रैक्टिकल कैसे करना है इस टॉपिक का। सर एक फाइल को कॉपी कर लेना, उसको ओपन करना। अब प्रैक्टिकल को देखो कंफ्यूज ना हो आप, तो मेरा एक स्मार्ट तरीका देखो पढ़ाने का क्या है। पहले इंसर्ट मोड में जाने के लिए क्या क्या शॉर्टकट्स होते हैं वो सारे बताऊंगा एक बार में। एस्केप मोड में क्या क्या हो सकता है वो सारे बताऊंगा, और फिर नीचे कौन से बताऊंगा सारे, कोलोन इससे क्या फायदा होगा फाइल से आपको, मेरी जो फाइल मैंने बना के दी है इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा शॉर्टकट किस में काम करता है। याद हो गया? देखो सबके सामने जब कॉलन 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 आ रहा है तो समझ जाओ ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, कॉलन मोड के। कॉलोन और जब इनके सामने कॉलन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये प्रेस करने वाले एग्जाम्पल्स हैं। कौन से वाले? प्रेस। प्रेस प्रेस करने वाले। आप समझो ध्यान से, इंसर्ट मोड में जाने के लिए आपसे पूछा था इंटरव्यूज में कितने ऑप्शन होते हैं, अक्सर कर बच्चा एक जवाब देता है, सिर्फ आई होता है सर बस। नहीं, आई के अलावा और भी कुछ होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग आई यूज करते हैं। बट आई के अलावा तीन ऑप्शन आपको और बता रहा हूं आज, जो जरूरत पड़ने पे आप चाहो तो इनको यूज कर सकते। देखें, देखो हाँ मैं बोल बोल के पढ़ाऊंगा, सुनते जाना। जैसे मेरा कर्सर स्पूल पे रखा है, स्पूल मतलब वर्ड है, एस पे रखा है, मैं आई प्रेस करूंगा तो जहां मेरा कर्सर है वहीं पे लिखना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, जी लेकिन दोबारा देखना, अगर एस पे कर्सर है और मैंने ए प्रेस किया, पहले तो आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि अभी आई से इंसर्ट में चले गए थे आप, अब आपको ए की प्रैक्टिस करनी है, तो एक बार बीच में आपने एस्केप क्यों मारा है? अभी वो बताया अनरजिस्टर था, करने के लिए सर। हाँ अभी बताया था, अभी आई प्रेस करके बैठे हो, अब आपको ए की प्रैक्टिस करनी है, तो ए काम करेगा क्या? नहीं सर, क्योंकि काम कर रहा है रजिस्टर ए, वो रखा है लो आई। लगे रहो शाम तक, करने नहीं करने का? क्यों, क्या बोला रूल मैंने? पहला रूल नंबर वन, एक शॉर्ट की प्रैक्टिस करने के बाद दूसरी शॉर्ट की प्रैक्टिस करनी, तो एक बार क्या कर लिया करो। एस्केप। अब मैंने एस्केप मारा, नोटिस करो सब लोग, एस पे कर्सर है, ए प्रेस किया, देखो कर्सर एक आगे खिसकेगा, तो ये बहुत काम का ऑप्शन नहीं है, बट इतना बताना पड़ेगा आपको कि आई का पता है मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मतलब क्या आई का? सर आई का मतलब होता है इंसर्ट टेक्स्ट बिफोर द कर्सर, और जस्ट आगे लिखना है तो आफ्टर द। बट इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि बच्चे कहते हैं पता है क्या सर, यार एक बार बताओ आई दबा लो और फिर ऐसे कर्सर से ये राइट एरो से ऐसे ले आओ, तो कितना कितनी टाइम टाइम लगा मुझे? ज्यादा काम का तो नहीं है ना, लेकिन मेरा फर्ज है बताने का। ये क्वेश्चन अक्सर अगर आपसे पूछा था इंटरव्यूज के अंदर कि इंसर्ट मोड में एक ऑप्शन आई होता है और एक ए होता है, दोनों में डिफरेंस बताइए, तो जनरली बच्चा आई का मतलब बोलता है इंसर्ट मोड होता है। सर नहीं, अब आई का टेक्निकली मतलब बताओगे क्या? इंसर्ट टेक्स्ट बिफोर द कर्सर पोजिशन, याद हाँ रहेगा। और ए जी का जस्ट मतलब होता है अपेंड, उसके आगे, आफ्टर द क्या है। सर बट कोई पूछे इंटरव्यूज में कि आपको ए नहीं पता, तो क्या उस करेक्टर के आगे कर्सर लाके क्या आप टाइपिंग नहीं कर सकते स्टार्टअप?
सर हाँ कर सकते हैं, तो कर बहुत सकते बड़ा हैं कोई चेंज नहीं ना नहीं है, कोई बट दोनों में नहीं। हल्का सा डिफरेंस है, याद कर लो आप लोग। फिलहाल कोई बच्चा बोले सर ये मुझे याद ही नहीं करना, हाँ मेरा काम अभी भी आई से चल सकता, बिल्कुल कर लोगे ना? सर जल्दी बताओ ईमानदारी से, याद हो गया? डन तो सर आई पूरा और ए में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है ऐसे मान लो आप, बट ओ और शिफ्ट ओ बहुत काम का है। इसको सुनो ध्यान से, जैसे मुझे बताना, ये एक लाइन है नीचे मेरे पास, ये वाली, इस लाइन के बीच में मुझे कुछ लिखना है, तो पता है आप क्या करोगे? एंटर मारोगे, एंटर काम नहीं करता ऐसे, क्यों? अब आप बोलोगे मैं इंसर्ट मोड में जाऊंगा, तो इंसर्ट में आगे लो जी, तो एंटर मारोगे तो ऊपर खाली हो गया स्पेस, ये करना था आपको। नहीं पता क्या करोगे, पहले कर्सर को पीछे लेके जाओ ऐसे, और फिर यहां जाके एंटर मारोगे, इतना टाइम खराब करोगे ना आप लोग? हाँ जी नहीं मैं नहीं करता ऐसे, देखा मैं क्या करता हूं, जब मुझे लगे कि मुझे कर्सर के नीचे लिखना है वो दबा दो। क्या दबा दो? ओ इंसर्ट मोड देखो चालू हो गया, और लिखना स्टार्ट कर दो जस्ट से यहां पे। हमने कहा नहीं कर्सर के ऊपर लिखना है, शिफ्ट ओ, क्या लिखो? शिफ्ट हो लाइव शिफ्ट हो एग्जांपल दूं, लाइव आपको इसका लाइव एग्जांपल देता हूं, बताओ क्या करोगे आप? सपोज करना आप ईटीसी के अंदर एक एफएसटेप वाली फाइल में गए, कोई प्रैक्टिकल करना था आपको, सबसे नीचे आगे फाइल में, अब इसके जस्ट नीचे कुछ लिखना है आपको, क्या करोगे बताओ? ओ कर्सर काम ही नहीं कर रहा, लो अरे पता इंसर्ट मोड पता क्या करोगे, पहले स्टेप बैक जाओगे, फिर आप आई दबाओगे, फिर ऐसे करोगे, और फिर एंटर मारोगे, ऐसे करोगे ना? जी सर ओके नहीं मैं क्या करता हूं, सीधे कर्सर मेरा कहां खिसक गया देखो, नीचे समझ में आया प्रैक्टिकल क्या बोल रहा हूं? हाँ जी सर अगर यस मैं सर बार बार एग्जाम्पल वाली फाइल में घुस रहा हूं, तो क्या है ये फाइल, मैंने उसका बैकअप बनाया, मैं उसको प्रैक्टिकल कर रहा हूं, ठीक है? हाँ अब चलो फाइल के अंदर मैं गया, अब बताओ इसके नीचे लिखना है मुझे ओ, इसके ऊपर लिखना है तो तो शिफ्ट हो। अच्छा ये खाली लाइन हो गई, इसको हटाना है मुझे, तो आई प्रेस करके आप ऐसे कर लो, और ये ऐसे करके इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है हाँ नहीं? पहले मुझे बताओ इंसर्ट मोड में चारों शॉट की याद हो गए आपको? जी सर मैं आगे डन तब लिखूंगा जब मुझे आप बोलोगे सर हाँ ये ओके मुझे याद हो गया, बताओ डन लिख दूं यहाँ पे? हाँ जी सर आई और ए में मुझे लगता है ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको जो याद हो आप उससे कर सकते हैं काम, खुलेगा सब में इंसर्ट मोड प्लीज, लेकिन सब में बारीक बारीक क्या है अंदर है डिफरेंस है, याद कर लो। एक आई क्या है, ए क्या है, ओ क्या है, और शिफ्ट हो ओ क्या है क्या कर्सर लिखा है देखो मैंने, बिलो ऑफ द कर्सर, और एक एबव ऑफ द, हाँ याद हो गया? जी सर अब चलो आगे, वो सर शॉर्ट कीज बताइए आप, जैसे लाइन कॉपी करनी है, पेस्ट करना है, अंडू करना है, डिलीट करना है, कट कॉपी करना है, सर ये कैसे होता है? क्यों सर माउस काम नहीं कर रहा है, तो ये कैसे काम करेगा फिर हमारा ये सारा टॉपिक? और सर ऐसा कोई केस नहीं हो सकता जहां मुझे लाइन कॉपी ना करनी पड़े आगे जाके, है ना भाई? करनी सर पड़ेगी ना, तो अब इसके लिए आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं, सब लोग पहले जल्दी जल्दी से एक बात याद करो, वाई वाई का मतलब सब बच्चे याद कर लो, होता है कॉपी करना लाइंस को, क्या करना? कॉपी। डीडी का मतलब होता है डिलीट करना, सीसी का मतलब होता है कट एंड कॉपी, क्या होता है कट, कट एंड कॉपी और पी का मतलब क्या होता है, क्या होता है? पेस्ट थ्रू पेस्ट द वेस्ट। कंटेंट अब इन सब के सामने एन आ सकता है, यहां पे एन का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस, क्या होता है? नंबर नंबर ऑफ ऑफ लाइंस। टायर नंबर ऑफ लाइन का मतलब होता है आपने 2YY किया कीबोर्ड से, 2YY कितना लाइन कॉपी करेगा, दो 2DD तो दो लाइन डिलीट मारेगा, 2CC तो दो लाइन, मतलब ये नंबर आगे कुछ भी हो सकता है, तो जी सर इसका मीनिंग होता है लाइन, पहली बात तो ये याद कर लो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डिफरेंस वर्ड वाला, कौन सा, वर्ड जल्दी याद करो, Y के सामने W लगा दो, D के सामने W लगा दो, C के सामने W लगा दो, तो ये हो गया कॉपी वर्ड, डिलीट वर्ड और कट। पूरी वर्ड लाइन कॉपी करनी है तो वाई वाई, कोई वर्ड कॉपी करना है स्पेशल आपको तो क्या है, वाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू और क्या है पी डब्ल्यू, कोई ऑप्शन नहीं होता, जी पेस्ट के लिए हमेशा पी ही होता है, चाहे वो लाइन हो चाहे क्या हो आपका। हाँ जी वर्ड जल्दी बताओ, सात ऑप्शन याद हो गए, सात, वाई वाई डी डी सी 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 डब्ल्यू क्या बताया सर कट वर्ड,
बट डिलीट बताओ। वर्ड, कॉपी वर्ड, कॉपी लाइन, डिलीट लाइन, कट कॉपी एनी लाइन, और पी का मतलब हमेशा क्या है, पेस्ट। अगर दो बार पेस्ट करना है तो पी पी करा आपने तो दो बार पेस्ट हो जाएगा। प्लीज एक ही बार पेस्ट करना होता है तो एक पी दबाओगे, इसको डबल बार पी प्रेस। नहीं कर रहा है। अब इसका प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, देखो ध्यान सब लोग, पूछ रहा हूं मैं आपसे, बताना। आपको श्रिंक वाली लाइन, शटडाउन, हॉल्ट, मेल और ऑपरेटर, ये पांच लाइन कॉपी करनी है। ध्यान से देखो, कर्सर कहां पे लिंक कर रहा है, देखो मेरा, फाइव वाई वाई, क्या हुआ? पहले तो ये बताओ मैं इंसर्ट मोड में था या एस्केप में था? एस्केप में एस्केप में था। इंसर्ट जब नीचे लिख के आता है ना तो इंसर्ट में हो, बस आप ऐसे मान लो आप। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछा था इंटरव्यू के अंदर कि फाइल में घुसते हैं आप पहली बार, तो फाइल में घुसते ही सबसे पहला मोड कौन सा होता है जहां बैठे होते हैं आप? इंसर्ट बाय डिफॉल्ट किस मोड में बैठे होते हैं आप? इंसर्ट मोड, एस्केप एस्केप मोड, मोड, एस्केप। क्योंकि इंसर्ट में होते हैं तो फिर आई प्रेस क्यों करते हैं आप? यस सर, कौन से मोड में होते हो बाय डिफॉल्ट आप? एस्केप मोड। एस्केप मोड में होते हो आप। अब ये पांच लाइन कॉपी हो गई, अब मेरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। जब मैंने बच्चे को बोला था कि एक ऑपरेशन की प्रैक्टिस के बाद दोबारा एक बार एस्केप कर लिया करो, नहीं, ये कॉपी हो रखा है अभी, जब तक पेस्ट नहीं कर दोगे तब तक क्या ऑपरेशन कंप्लीट होगा? नहीं नहीं होगा। कॉपी हो गया, अब मैंने कहा पेस्ट करना है, टीएसएस के नीचे पेस्ट करना है, तो पी से, लो जी ये क्या हो गया, देखो नीचे क्या हो गया, पेस्ट हो गया पेस्ट हो टीएसएस में। गया। मैंने कहा भाई नहीं 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 ये गलत जगह पेस्ट हो गया है, यू से एक यू दबाओ बस। क्या हो गया? अंडू अंडू। क्या हो गया? अंडू। देखो दोबारा सुन लो, यू 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 करते जाओगे तो लगा लास्ट टाइम जहां तुमने फाइल सेव करी है ना वहां तक ये करता अंडू जाएगा। करता जाएगा। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं सही था वो, अंडू से पहले जो था उसको वापस लाओ, रीडू, कंट्रोल दबा के रखो और आर, तो क्या हो गया वापस से देखो, वो दोबारा सुनो, कंट्रोल दबा के आर आर करोगे तो रीडू होता जाता है, और केवल यू 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 दबाते जाओ तो क्या होता जाएगा, हेलो, अंडू होता जाएगा। स्टार्टिंग से दोबारा बता रहा हूं, फिर सुन लो, फिर सुन लो। मैंने कहा आपको ये तीन लाइन कॉपी करो, एक दो तीन, थ्री वाई वाई, नीचे लिख के आ रहा है थ्री लाइन्स यांग्ड, यांग्ड मतलब कॉपी हो गया ऐसे मान के चलो, नीचे पेस्ट करना है मुझे, पी से मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैंने कहा नहीं ये दो लाइन डेमन और एडीएम एलपी तीनों को डिलीट मारो यहां से, क्या करोगे? या केवल डेमन को डिलीट मारो, क्या किया मैंने बताओ? डी डी डी, अगर मैं करता थ्री डी 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 तो, थ्री लाइन, थ्री अच्छा एक लाइन। बात बताओ मुझे करना है अभी 15 लाइन डिलीट करना है, तो 1 5 ऐसे प्रेस करोगे एक साथ, या पहले 1 फिर 5 और डी डी ऐसी करोगे ना? हाँ जी, यस। कुछ लोगों को लगता है कीबोर्ड ऐसे दबाना पड़ेगा ऐसे हाथ करके एक जी। साथ, ऐसा मत करना ठीक है। तो अभी मुझे बताओ ईमानदारी से, चार ऑप्शन याद हो गए, यस वाई सर, वाई से कॉपी कर रहा हूं, पी से पेस्ट कर रहा हूं, यू से अंडू कर रहा हूं और कंट्रोल आर से रीडू। रीडू। अब डीडी वाला बताओ जल्दी से, जो मैंने डिलीट मार दिया गलती से कोई चीज, जैसे मैंने तीन लाइन डिलीट मार दी, हमने कहा नहीं यार गलत हो गया है, तो यू से बैक अंडू, हमने कहा नहीं सही हुआ था डिलीट वो, तो कंट्रोल आर से देखो वापस वो लेट हो गया। कर लोगे। तो सर, ये जो भी ऑपरेशंस आप कर रहे हैं उसके पहले एस्केप दबा रहे हैं ना? हाँ एक बार आई प्रेस करता हूं, अब मैंने ओके करा डी डी, ओके, जब आपको ऐसा लगे मैं कुछ करना चाह रहा हूं बट हो तो नहीं टाइपिंग रहा हो है, वो टाइप हो रहा है, तो नीचे टाइपिंग देखना हो वहां रहा लिख के आ रहा है, इसका मतलब क्या, इंसर्ट मोड जब कुछ ना लिख के आए समझ जाना यू आर वर्किंग स्टेप इन एस्केप मोड मोड। किस में बैठे हैं आप? इसके स्टेप एस्केप मोड। मोड। फिर याद कर लो ये कौन है यार, देखो वाई वाई कॉपी एनी लाइन, पी मतलब पेस्ट द कंटेंट, कंटेंट डी डी मतलब डिलीट लाइन यू मतलब कंट्रोल अंडू आर मतलब रीडू। रीडू, याद हो गया जल्दी बताओ ईमानदारी से। यस सर, यस सर। एक बात और सुन लो, अगर कोई पूछे एन वाई वाई क्या होता है,
तो बोलो वेयर एन इज द नंबर ऑफ लाइंस, इस नंबर नंबर ऑफ क्या है ऑफ लाइंस। लाइंस। याद हो गया, फिर दोबारा सुन लो। लेकिन सर ये एस्केप एन मोड एन में वाई काम वाई करेगा, एन वाई क्या है ना, जहां मैं हूं उसके नीचे से वो लाइन उसके देनी नीचे है। काम करेगा। पी से पेस्ट हो गया, डी से डिलीट हो गया, यू जितनी बार करोगे उतनी बार अंडू होता जाएगा, ठीक है। कंट्रोल दबा के आर 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 करोगे तो क्या होगा, उसे रीडू रीडू होगा। लेकिन मजा नहीं आया, एक ऑपरेशन छूट गया। अभी आपने गलती से पता एक बात नहीं पूछी मुझसे अभी कि सर वाई वाई वाले केस में 4YY करा, आप कह रहे हो बीच में दोबारा एस्केप मत कर देना, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि जो मेमोरी में कॉपी हुआ है, जब तक पेस्ट नहीं हुआ तो वो मेमोरी से हट जाएगा ना। सर। हाँ जी अभी जैसे एस्केप मार दिया मैंने बीच में, लो ये मैंने एस्केप कर दिया, अभी पी से पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? ध्यान दे रहे हो बात को दोबारा आप? सर, क्योंकि इंसर्ट मोड में चला क्योंकि गलती वो नहीं भूल करनी है, गया ठीक अगर है? वो 4 लाइन कॉपी करी उसने। हाँ ध्यान दो, ऐसे याद कर लो। वाई वाई से कॉपी होता है, पी से पेस्ट होता है, डी डी से डिलीट होता है, यू से अंडू होता है, कंट्रोल आर से रीडू होता है। अब एक बात बताने जा रहा हूं, क्या ये मैंने कहा ये 3 लाइन ना कॉपी नहीं करनी, कट करनी है यहां से। भाई कॉपी में तो वहां रहता है डेटा, और जहां पेस्ट करोगे वहां चला जाता है। हमने कहा नहीं, यहां से हटाओ। थ्री सी 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 दुख की बात पता है क्या है, कॉपी वाले ऑपरेशन में इंसर्ट मोड चालू नहीं होता अपने आप से। देखो कट कॉपी वाले केस में नीचे इंसर्ट मोड चालू हो गया अपने आप, यस तो सर आपको यहां पेस्ट करना है तो पेस्ट काम नहीं करेगा आपका। क्या नहीं करेगा, क्या नहीं इस करेगा, काम काम पेस्ट काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो एक बार एस्केप करना और पी दबा देना, पेस्ट हो जाएगा आराम से। अच्छा कोई बताओ, ये लाइन खाली करनी है मुझे, लेकिन आई प्रेस करके ऐसे खाली नहीं करनी, क्या प्रेस करूं कि लाइन ब्लैंक वाली जो डिलीट हो जाएगी यहां से अपने आप। डी हाँ डीडी कर डी दिया तो लाइन वहां से लीक हो गई। डिलीट हो गई। एक बात फिर सुन लो, कट कॉपी वाले केस में पेस्ट करने से पहले एक बार बीच में क्या करना पड़ेगा, एस्केप एस्केप। बट कॉपी पेस्ट वाले केस में एस्केप की नीड नहीं है। नहीं है, याद हो गया। अब चलो बताओ, ये बीच में से आपको शटडाउन वाला वर्ड कॉपी करना है, बस बस शटडाउन, पूरी लाइन नहीं, एक शटडाउन वर्ड कॉपी करना है। देखो वाई डब्लू, डब्लू इसके पीछे पेस्ट करना है यहां, देखो पी 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 पी, हो गया पेस्ट। हमने कहा भाई गलत हो गया जी है, तो अंडू अंडू अंडू, समझ आ रहा है? सर, रीडू हाँ रीडू रीडू रीडू, अंडू अंडू अंडू, अब तो समझ में आ गया। जी सर, यस सर, यस, अब एक बात जल्दी से बताओ मुझे, वाई डब्ल्यू किया था तो कॉपी हुआ, अब ये बताओ ये 3 वर्ड कॉपी करने हैं बीच में से मुझे, थ्री वाई वाई डब्लू डब्ल्यू डब्लू यहां पेस्ट करना है पीछे। देखो वो तीनों के तीनों वर्ड क्या हो गए, पेस्ट हो, कॉपी पेस्ट हो गए। हमने कहा ये गलत जगह हो गए यार, हटाओ उसको, यू से यहां अंडू कर करो। दिया तो पी से पेस्ट 3 वर्ड कॉपी कैसे करें मैंने, थ्री वाई बाय डब्लू। डब्ल्यू, और पी से पेस्ट होता है, पी डब्ल्यू कोई कमांड नहीं होती, याद होगा। सर और हमें स्पेस चाहिए, स्पेस के बाद पेस्ट करना, जैसे हाँ विदाउट तो स्पेस पहले आप हमें भी एस्केप कुछ मार दो आप ऐसे करना एक बार, था। हाँ और फिर आप यहाँ पे क्या करो, ऐसे पी क्या से मार दो पेस्ट कर दो स्पेस, फिर आप। क्या क्या मार दो स्पेस मार दो हाँ स्पेस किसके दबाना आपको, ठीक है, नहीं तो कर्सर जहां पे होता है वहीं पे एक्शन लेता है हमेशा। अब एक बार फिर सुनो, मैंने कहा नहीं ये कोर और जो डंपर वाली लाइन है ये वर्ड दो डिलीट करने हैं मुझे यहां से बस। तो एक तरीका तो देसी वाला ये है, पीछे बैक ये सिंबल लेके जाओ और ऐसे करके के करके, डिलीट कर दो ये मैंने अभी अंडू कैसे करा है, यू से, यू से। यू से ठीक अब मैंने करा टू है डी डब्लू डब्लू डब्ल्यू, हो गया डिलीट। हमने कहा वो नहीं 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 से गलत गलत हो गया डिलीट हमसे, ऐसा नहीं करना था हमको, तो रीडू यू से कर दिया, वापस। यू से हमने कहा हमें नहीं सर सही हुआ था, कंट्रोल आर। कंट्रोल आर, दोबारा याद कर लो, वाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू हो गया। अब प्रैक्टिकल करा रहा हूँ सर सी डब्ल्यू वाला, मैंने कहा ये ओवरफ्लो वाला जो वर्ड है ना ये कट करना है यहां से, कट सी डब्ल्यू, वही देखो नीचे लफड़ा, इंसर्ट मोड ऑन, कट कॉपी वाला केस, वो लाइन वाला चाहे वर्ड वाला दोनों में पता है इंसर्ट मोड चालू हो जाता है। क्यों चालू हो जाता है पता है, क्योंकि वो ये समझ रहा है तुम इसे कट करके ना पेस्ट करो ना करो तुम्हारी मर्जी, पर तुम यहाँ कुछ और लिखना चाह रहे हो उसकी जगह पे, क्या करना चाह रहे हो? कुछ और टाइप करना चाह रहे हो। बट मैंने कहा नहीं मैं तो उसी को पेस्ट करना चाह रहा हूं, तो एक बार एस्केप करके इज्जत से इसे पी से क्या कर दो,
पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दो, टॉपिक को आगे लेके नहीं जाऊंगा जब तक डन नहीं बोलोगे। सर पेश करने से पहले सर स्पेस दे सकती है ना, स्पेस बार मार दे हाँ दो। वो आपकी मर्जी है दोस्त। सर एक और सर क्वेरी जैसे बीच का मेरे को अल्टरनेट लाइन कॉपी करना हो, सर, एक बार वर्ड वाला दोबारा बता दो सर, तो स्लो स्लो दोबारा थोड़ा बता सा। रहा हूँ, अल्टरनेट वर्ड बीच से मेरे को करना हो। दोस्त वो इतना एडवांस मत जाना, अभी पहले काम काम का देखो, इसमें शॉर्ट सर कीज़ बता ये रहा हूँ सारा, एक ठीक है? क्वेश्चन ये है कि हाँ जैसे एस्केप मोड में है हम अभी, इंसर्ट में नहीं गए ठीक है, एस्केप मोड में है तो हम स्पेस दबाएंगे पर स्पेस काम नहीं करेगा ना जब तक काम फंक्शन करेगा यूज ना, नहीं करेंगे। नहीं, इनिशियल में इनिशियल में स्पेस काम नहीं करेगा, पहले ही करेक्ट, आपने जब इसे तक कट कॉपी कर लिया, ठीक है? करेक्ट ठीक है सर। अब आप एक बार एस्केप करो, या फिर पहले वहां पे स्पेस दबा दो पहले आप, ठीक है? फिर एस्केप कर लो और फिर पी से क्या कर लो चाहो तो। पहले पेस्ट मुझे ये वाली ऑप्शन बताओ आप, पहले ऊपर वाले बताओ पहले, कॉपी वाला जो ऑप्शन था लाइन कॉपी वाला, कर लोगे सब लोग आप? जी सर, हाँ कर जी लोगे। अब मुझे बताओ ऑप्शन आप ये वाला पी वाला पेस्ट, ये कर लोगे सब? यस सर। लेकिन सर जैसे आपने कॉपी वाला जो बताया वो कर्सर के नीचे की लाइन कॉपी कर रहा है, मुझे ऊपर की हाँ कॉपी लेनी हो तो? तो पहले कर्सर ऊपर ले जाओ ना 1 सेकंड के अंदर, अच्छा मतलब क्या करोगे? कमांड नहीं, हाँ कमांड नहीं, कोई वैसे ही करना पड़ेगा। होगी तो आप ढूंढना, मुझे नहीं पता शायद, ऐसे मान लो आप। वाई वाई से क्या है? कॉपी यानी लाइन। लाइन पी से क्या लाइन है? पेस्ट पेस्ट। कंटेंट और डी डी से क्या है? डिलीट एनी एनी डिलीट। टाइम यू से? अंडो अच्छा अंडू अंडू, चाहे वर्ड हो चाहे कुछ भी हो, अंडू तो अंडू ही होता है हमेशा। अंडू और रीडू वाला, रेडो ये रीडू होता है। कट कॉपी कॉपी जल्दी बताओ, कॉपी कर लोगे? वाई डब्ल्यू मतलब कॉपी वर्ड, लाइन कॉपी कमांड वर्ड जो बताई आपने वो सर कर्सर पोजीशन स्टार्ट में था, अगर बीच में रहा तो कौन सा वाला? हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, सब भी काम करेगा। ओके okay। जैसे वाई वाई आपने करा तो कर्सर पहले ब्लिंक कर रहा है या बीच में हो, तब भी पूरी लाइन को क्या करेगा वो, कॉपी कर पूरी लेगा लाइन सर। पे एक्शन लेगा वो, ठीक है? सर वर्ड का कौन दोबारा बता देना है वरना, सा वर्ड एक बार थोड़ा सा, एक बार थोड़ा सा। वर्ड? देखो सिंपल है, जैसे आपको मान के चलो यहां से ऑपरेटर कॉपी करना है आपको ये वाला वर्ड, ठीक है? ऑपरेटर है मंगाड़ा तो वाई डब्ल्यू करो, मतलब पी से क्या करो, उसे पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दो, ठीक और है? सर स्पेस के साथ पेस्ट करना हो सर एक बार बता देना ये भी। इसके साथ सब पेस्ट करना है तो पहले यहां पे एस्केप मार लो और फिर आप इसे क्या कर लो, पी से, ठीक ठीक सर। है? अब सुनो ये एक बार बोलूं आपको, वर्ड वाला जो ऑपरेशन है ना बहुत कम रिक्वायर्ड होता है मेरे हिसाब से, लाइन लाइन वाले ऑपरेशन ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। ये जो वर्ड वाले ऑपरेशन होते हैं ना, इतनी देर में तो बच्चा क्या करता है, खुद टाइप ही कर देता है, एक आध वर्ड की बात होती है तो। नहीं आ रही बात समझ आपको? प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली बात समझ में आ रही है? जैसे आप काम कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि वर्ड के लिए आप ये वाई डब्ल्यू ये सब खेलोगे। तो मैंने ऑपरेशन पढ़ा दिया है आपको कि कोई पूछे कि वाई वाई रिपीट हो रही है स्ट्रिंग हाँ सर और वाई वर्ड डब्ल्यू हो रही है, दोनों में हाँ फर्क क्या है? सर की ये शॉर्टकट। हाँ समझ में आ गया आपको? बात जी सर समझ आ रही है? वर्ड के लिए ऑपरेशन बहुत कम करने पड़ते हैं, लाइंस के ऑपरेशन शायद हमें ज्यादा ज्यादा करने पड़ते हैं, क्योंकि वर्ड को तो बच्चा पता क्या करता है, जैसे कट करना है कोई वर्ड तो पता है वो क्या करेगा, उसे कट करना नहीं आता। मान लो जैसे मान के चलो आपको शटडाउन यहां से कट करना है, डन, तो शटडाउन को ऐसे कट करके यहां से हटा दोगे लो यहां से। अब आपने कहा मुझे यहाँ पेस्ट करना है, तो पेस्ट नहीं करोगे आप यहाँ पे शटडाउन, क्या करोगे आप? लिखी दो इतनी देर तो लिख ही दोगे ना फिर आप? नहीं समझ में? आ गई सर फिर प्रैक्टिकल भी। एग्जाम्पल देखो कि एग्जाम जब जो जैसे कोई लिनक्स एडमिन काम कर रहा है तो उसका हाथ कितना जल्दी कौन सा काम कैसे कर सकता है ना, वो उतना जल्दी करना चाहेगा उसको। लेकिन जब पूरी पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, पूरा पूरा कंटेंट, तो यार वो माथा पच्ची हो जाएगी ना बहुत गंदे वाली। हाँ वो तो उस केस पेस्ट में शॉर्टकट की यूज करेगा वो, यस मैं वही कह रहा हूँ, वर्ड वाला ऑपरेशन का भी आपको लगे कि ज्यादा सक्सेसफुल नहीं काम कर रहा है तो यार लिख फिर दो आप लिख दो, उतना ज्यादा दिमाग मत लगाना फिर आप, ठीक है? जैसे सुनो आगे, आपने एक चीज समझी कि लाइन हो चाहे वर्ड हो, पी से ही हमेशा क्या होता है, कंटेंट पेस्ट होगा, पेस्ट पेस्ट होता है। लाइन होगा कंटेंट अब मैं आपको एक होगा। बात बताने जा रहा हूं, क्या डी डब्ल्यू से वर्ड डिलीट हो रहा है, डी डी से पूरी लाइन डिलीट हो रही है? मैंने कहा नहीं, मेरा ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहां पर, ये वाला, यहां से पीछे वाला सारा डिलीट करना है कर्सर से, शिफ्ट डी कर दो, क्या कर दो? शिफ्ट शिफ्ट डी से क्या होता है पता है, यहाँ सर पूरी लाइन डिलीट नहीं होती, शिफ्ट डी में क्या होता है, कर्सर जहां होता है वहां से पीछे का कंटेंट सारा डिलीट हो हो जाता जाता है। है। पढ़ो क्या लिखा है, टू डिलीट शिफ्ट लाइन लाइन फ्रॉम फ्रॉम द द कर्सर 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 पोजिशन, डन। अब एक नई चीज बताने जा रहा सर हूं, एक बार इसको और बहुत इसका कम बच्चे दिखाइए यूज बी करते हैं इसको। का एग्जांपल।
दोबारा देखो, जैसे मैं यहां अभी बैठा हूं अभी, अभी पीछे का सारा डेटा डिलीट करना है मुझे, तो या तो डिलीट वाली बटन से एक एक करके ऐसे करोगे आप? हाँ जी, यस और मैंने शिफ्ट डी दबा दिया ऐसे, तो एक बार में क्या हो गया वहां से वो? जी, अब राइट, अंडू करना है तो मैंने अंडू कर दिया वापस से, ठीक है? ओके, अब दोबारा सुनो, एक चीज और है, जैसे ये डिलीट वाली बटन है ना, एक एक करके डिलीट करता है ऐसे, ऐसे तो कोई एक्स काम करता है, एक्स 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 कर रहा है। मैंने कहा नहीं, अगले वाले 6 करेक्टर उड़ा दो, 6 करेक्टर, अरे सिक्स एक्स, अगले वाले 6 करेक्टर पर ध्यान देना। शिफ्ट एक्स क्या करता है देखो, बैक 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 बैक, ऐसे क्या बोल रहा हूं, स्मॉल एक्स आगे डिलीट कर रहा है और शिफ्ट एक्स वाला पीछे पीछे की तरफ डिलीट कर रहा है। तो जिनको एक्स नहीं पता होता वो कैसे करते हैं काम, वो सुन लो, वो सिंपल डिलीट वाली बटन से ऐसे करते हैं, और जब पीछे करना होता है तो आई दबा लेते हैं ऐसे, और एक बार ऐसे करके डन, और फिर एस्केप कर लो वापस दोबारा से। नहीं आया समझ में? जिनको एक्स और शिफ्ट एक्स अच्छा नहीं लग रहा है ऑप्शन, टेंशन में मत आ जाना, क्या बोल रहा हूँ वो सुन लो, डिलीट पर्टिकुलर करेक्टर इन फॉरवर्ड साइड, कौन करता है? एक्स एक्स। शिफ्ट एक्स क्या करता है? बैकवर्ड साइड कैरेक्टर इन बैकवर्ड साइड बैकवर्ड साइड सर ध्यान आपने दो, लिख लिया मैंने डी सी डी से बोला था पूरी लाइन डिलीट होती है, डी वर्ड डब्ल्यू से मैंने बोला वर्ड डिलीट होता है, शिफ्ट डी से मैंने बोला कर्सर से आगे वाला डिलीट होता है, ऐसे ही एक्स से करेक्टर डिलीट होते हैं, और शिफ्ट एक्स से पीछे बैक क्या होता है? बैक साइड बैक साइड। लेकिन इनकी मुझे पीछे लगता है बहुत ज्यादा जरूरत इनकी नहीं। नहीं है, ये ऑप्शन मैंने पढ़ा दिया है आपको नॉलेज के लिए, लेकिन आप इनको चाहो तो क्या कर सकते हैं, आप सीधे सीधे आप बैक एयर बैक स्पेस से या डिलीट वाली बटन से दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब एक, हाँ सर आपने जैसे बताया कि 6x लिखेंगे तो आगे 6 करेक्टर, तो ये शिफ्ट एक्स में भी चल सकता है सर, ये पीछे हाँ ही पीछे पीछे के वो पहले सिक्स। वो बता दो कितना, और शिफ्ट टैक्स दबा दो फिर आप, अच्छा बट जनरली कोई बच्चा प्रैक्टिस में उसको लाएगा नहीं मुझे पता है, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, बड़ी खतरनाक चीज सिखाने जा रहा हूँ, कर्सर मूवमेंट कैसे करते हैं। लाइन हैंडल करना आ गया, वर्ड हैंडल करना आ गया, पेस्ट वेस्ट अंडू अंडू सब आ गया, लेकिन कर्सर मूवमेंट कैसे होता है फाइल के अंदर वो देखो ध्यान सब लोग। फाइल में ऊपर बैठे हो आप, मान के चलो 400 लाइन है फाइल के अंदर, एकदम नीचे जाना है बॉटम में, कुछ लिखना है आपको बॉटम में जाके, पता कैसे जाते हो आप? कितनी बार दबाओगे? 400 बार। क्या शिफ्ट जी करना होता है? क्या करना पड़ता है? शिफ्ट जी जैसे कोई आपसे शिफ्ट जी पूछे कि बता भाई तुम इस सांबा की फाइल में घुसे, ठीक है, इसमें बहुत सारा डेटा है, एकदम से नीचे जाना है, क्या करोगे? लगे रहना है शाम तक ऐसे आराम बाम्बा आराम से? नहीं, शिफ्ट जी शिफ्ट शिफ्ट जी जी, एकदम बॉटम में आ गया। देखो मैंने कहा दोबारा ऊपर जाना है तो ध्यान से जी देखना, स्मॉल जी जी, दोबारा देखो, दोबारा देखो, बॉटम में जाना एकदम से, शिफ्ट जी शिफ्ट जी, कैपिटल शिफ्ट जी। अच्छा जी एक और बार लफड़ा है, सुन लो, फोन मत करना मुझे क्लास के बाद, गूगल पे पढ़ोगे ना सेम नोट्स मेरे वाले, तो कहीं कहीं आपको वो लिखेगा कैपिटल जी, क्या लिखेगा? कैपिटल कैपिटल। जी तो वो तो बात हो आप यही। ना फिर कैप्स लॉक मत दबाना, फाइल में कैप्स लॉक काम नहीं करता है ऑपरेशन के अंदर, तो ये कैपिटल जी बोल रहा है ना गूगल पे, तो समझ जाना वो शिफ्ट जी के बराबर है। किसके बराबर है? शिफ्ट जी के अब बराबर सुनो, मैंने कहा नहीं जी मुझे दोबारा ऊपर आना है, तो जैसे हम किसी पर्सनल लाइफ में किसी नाम के आगे कोई आदमी हमारे सामने खड़ा है, उसके आपके 2 बार जी लगा दो ना, 2-3 बार सर पे चढ़ जाता है वो, है ना? तो ऐसे जैसे इसके फाइल के सर पे जाना है ऊपर, मान लो ना, क्या करोगे? जी 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 बॉटम में आना है, ग्राउंड शिफ्ट जी, ऊपर जाना है दोबारा से, जी जी मतलब जी ये जी जी विदाउट शिफ्ट लगाना है ना? हाँ यस यस यस। हाँ विदाउट दोबारा याद शिफ्ट करो, दोबारा याद करो, जी जी का मतलब होता है लिखा टू मूव कर्सर इन है तो टॉप ऑफ टू द टॉप द फाइल। फाइल क्या है? बॉटम शिफ्ट जी करा तो में बॉटम ये पर सारे शॉर्टकट ना बड़े खतरनाक हैं, ठीक है? सर ये इन एस्केप में ही चलेगी। जी जी बिल्कुल चलेगा, क्यों चलेगा बताओ, आप अंदाजा लगाओ, एस्केप आप मोड यहाँ में आई प्रेस घुमाएगा करके बैठे होते और आप शिफ्ट जी वो ऐसे राइट कर करते देगा सर, तो राइट राइट कर कर देगा। जब भी आपको ऐसा लगे मैं कुछ की प्रेस कर रहा हूं बट वो काम नहीं कर रही है, तो समझ जाना यू आर सिटिंग इन रॉन्ग मोड, आप यस गलत इन मोड में इंसर्ट बैठ के काम मोड कर रहे हैं, अरे ठीक है? दोबारा सुन लो, फाइल में ऊपर था, एकदम नीचे जाना है, शिफ्ट जी, ऊपर जाना है दोबारा से, जी जी अब फिर दोबारा सीखो। ये बहुत एक लंबी सी लाइन है, देखो ये लाइन बहुत लंबी है, इस लाइन के सबसे पीछे जाना है मुझे,
ऐसे जाओगे आप लोग? नहीं, ऐसे नहीं जाना। शिफ्ट डॉलर दबा दो। क्या दबा दो? शिफ्ट के डॉलर साथ डॉलर। एकदम पहले आना लाइन के, जीरो। कीबोर्ड में देखो जीरो होती है, जीरो बिगिनिंग ऑफ द लाइन, और शिफ्ट डॉलर एंड ऑफ द। लाइन अब कोई एक बात और याद कर लो, कीबोर्ड में दो की है देखो, एक होम और एंड वाली, होम और एंड। हाँ सर होम दबाओगे पहले आ जाएगा, और एंड करोगे तो लाइन के। लास्ट में आ जाएगा तो ये बहुत काम का ऑप्शन है, जल्दी से याद कर लो। फिर दोबारा बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से फिर सुनो। जी जी से फाइल के टॉप पे जाते हैं, शिफ्ट जी शिफ्ट से जी से बॉटम में तो आते हैं, लाइन के एंड में जाना है तो शिफ्ट डॉलर कर देते हैं, और बिगिनिंग में आना है तो। जीरो अब एक और बात देखो, फॉरवर्ड कैसे करते हैं कर्सर, वर्ड बाई वर्ड देखो। वर्ड डब्ल्यू 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 से आगे फॉरवर्ड हो रहा है कर्सर मेरा, और बी बिहार वाला बी, बॉम्बे वाला बी, पीछे बैक 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 आदमी बैक है बैक सर। बैक। कर लोगे? हाँ, हाँ जी सर नहीं करोगे, जल्दी याद कर लो। जी जी का मतलब हाँ होता है मूव कर्सर इन टॉप ऑफ द क्या है, फाइल जीरो क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल लाइन। अगर नहीं लाइन याद आए तो होम दबा दिया करो, एंड करोगे तो पीछे आ जाओगे। एंड ऑफ द लाइन के लिए एक तरीका है शिफ्ट प्लस डॉलर डॉलर। बी से क्या होता है, बैक। बैक वन डब्ल्यू वर्ड से बैक वन वर्ड फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड। बट कोई पूछे कि उस वर्ड पे कैसे जाओगे जो फाइल में कहीं लिखा है, पर पता ही नहीं आपको कहां पे लिखा है फाइल के अंदर, तो सुनो ध्यान से। कौन बताएगा बच्चा? विंडोज में जैसे कोई वर्ड फाइल है, उसमें तुम कंट्रोल एफ करते हो, हाँ यस सर कंट्रोल तो एफ जो वर्ड करना फाइंड करते चाहिए हो कर्सर वहीं वहीं पहुंचा जाता है आगे आपका। हाँ हाँ जी जी। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, मुझे इस फाइल में ढूंढना है कि गेम्स कहां लिखा है, कर्सर वहीं पहुंच जाए अपने आप। स्लैश मार दो ऐसे, ओके सर गेम्स क्या लिखो, अपने आप हाईलाइट हो गया। देखो गेम्स पे कर्सर आ गया। अब देखो एन जंप करेगा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बैक जाना है, शिफ्ट एन शिफ्ट एन। दोबारा देखो टॉपिक, दोबारा देखो, मैंने पूछा रूट कहां है फाइल में, पहला रूट एक बार एन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पीछे जाओ बैक, शिफ्ट एन शिफ्ट एन शिफ्ट एन। क्या सिखा रहा हूं आपको? सर अभी तो आप डब्ल्यू से लग जा दोबारा देखो भाई, वो वर्ड बाय वर्ड बता रहा था पे आपको, रहे सर ये सर्च के अब केस मैं में है आपको सर बता रहा ये हूं, पैटर्न सर्च के केस सर्च में करना है पैटर्न। है फिर आप बोलोगे ग्रेप कमांड क्या पढ़ाई थी फिर आपने, अरे ग्रेप पढ़ाई थी टर्मिनल के ऊपर, टर्मिनल के ऊपर चलती हो तो है ना, और ये पढ़ा रहा हूं फाइल के अंदर जंप फाइल करना है के कर्सर अंदर आपको। ये सर उसमें क्या डिटेल ये सारे ऑप्शन कर्सर जंपिंग के हैं। किसके हैं? कर्सर कर्सर जंपिंग कर्सर के, मूवमेंट सर कर्सर मूवमेंट के हैं। दोबारा सुन लो, शिफ्ट जी किया था बॉटम में आया था, जी 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 से ऊपर टॉप, तो टॉप जीरो से पे लाइन के पहले, बिगनिंग एंड के लिए शिफ्ट डॉलर, डॉलर और बी क्या है, वर्ड बाय वर्ड बैक जा रहा हूं, फॉरवर्ड जाना है तो। वर्ड बाय वर्ड फॉरवर्ड और किसी वर्ड पे जाना है, अटैक करना है किसी वर्ड के ऊपर, तो स्लैश देके सर्च ये करना बस है एग्जाम्पल है, रूट फिक्स नहीं है यहाँ पे, सुन लो। टू सर्च एनी पैटर्न और एनी वन वर्ड और एनी क्या है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। अब जंप कैसे करोगे आगे, एन 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 एन, नेक्स्ट पैटर्न, शिफ्ट एन से क्या होता है, बैक जाना है बैक 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 बैक, जाओगे आराम से, यस सर यस सर मजा आ रहा है, जी सर कर लोगे? हाँ जी सर चलो मैं कर पा रहा हूं, मैं डन लिख देता हूं। ये जो लास्ट के कमांड थे इन पे नंबर लगेंगे सिंगल वालों पे जी नहीं, जी इनमें सर नंबर्स की दोस्त जरूरत नहीं इनके अंदर। सर ये रूट के आगे ब्रैकेट में ना एग्जांपल ए एक्स कर दीजिए फिर पता अदरवाइज प्रैक्टिस में ना फिर हो सकता अच्छा है एग्जांपल स्लैश में रूट है उसके ब्रैकेट में ए एक्स कर दीजिए ये सब आप मुझे लगता है कर लोगे। ये मैं डन इसलिए लिख रहा हूं, आपको एहसास कर रहा हूं क्या कि शायद हमें ये आता बच्चा है बड़े कर प्यार से, लेगा मैं कर लूंगा ठीक। हाँ मैं आगे, भाई मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, आपको वही समझना है कि मैं भी अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से डन लिख लेना, तो ये मेरा डन है, ये भी मेरा। एन का मतलब क्या था, पैटर्न जंप करना है, और नेक्स्ट आगे पैटर्न इसका मतलब जंप क्या था, बैक पैटर्न जंप करना बैक है पैटर्न। अब ध्यान दो, मैंने यहाँ पे लिखा है टू सर्च एनी पैटर्न, एनी पैटर्न मतलब स्लैश यहाँ पे फिक्स है, लेकिन ये मेरा क्या है यहाँ पे, रूट फिक्स नहीं है
रूट फिक्स नहीं है, ठीक है? वी कैन सर्च एनीथिंग हियर। फॉर एग्जाम्पल, दोबारा करके दिखाता हूँ टॉपिक, फिर देखो। मैंने पूछा फाइल में शटडाउन कहाँ लिखा है, कर्सर अपने आप वहीं पहुंच जाता है जहां पे वो शटडाउन उसे मिल रहा। कर लोगे? इस सर्च है डन। अब बताने जा रहा हूं फाइल के अंदर कर्सर जंप किसी लाइन नंबर पे कैसे करता है, आपने पूछा नहीं मुझसे भी। ध्यान से सुनो, आपने पूछा ऊपर नीचे कैसे जाते हैं, लाइन के आगे पीछे कैसे जाते हैं, सब बता दिया। वर्ड पे कैसे जाते हैं हमने बता दिया, पर्टिकुलर किसी लाइन नंबर पे कैसे जाओगे वो नहीं बताया सर आपने अभी तक। तो क्या करोगे उसके लिए, कमांड फायर करनी पड़ेगी। तो टॉपिक चेंज हो रहा है मेरा, आप कौन सा एग्जाम्पल ऑफ क्या है, कॉल एंड कमांड कमांड, मोड, या इसको बोलते हैं क्या, कॉल कॉल एंड एंड मोड। मोड। कॉल एंड मोड का मतलब क्या होता है कि ये सारे प्रैक्टिस आप किस में करोगे, जैसे बताओ डब्ल्यू क्यू सबको पढ़ाया था मैंने, कॉलन एक्स, क्विट फोर्सफुली, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं आपके, कॉलन फाइल ऑपरेट, ये ऑपरेशंस, तीन तो सबको आते हैं जहां तक याद है मुझे। यस सर, ये डब्ल्यू टू ऊपर से वाले ये नहीं तो। आते, इनको याद करो सब लोग। पहले आप सुनो, इस फाइल में काम करते टाइम मुझे दिक्कत हो रही है, मान लो मैंने कहा यार एक काम कर सकते हो सर, इसके आगे लाइन नंबर जरा लगा दो, तो लाइन नंबर से मुझे आसानी हो जाएगी। कैसे? जैसे सर आपने एक कमांड पढ़ाई थी कैट हाइफन एन एग्जाम्पल वाले, ऐसे नंबरिंग आ रही है, बट सर ये तो स्क्रीन पे आ रही है ना, और फाइल में लाना है तो यहां एक कमांड फायर करो सेट स्पेस। अच्छा तो देखो उसने आपके आउटपुट को कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, ये परमानेंट नहीं है बट आपको फिलहाल उसने लाइन नंबर सेट करके दे दिया है, दे दे दिया। दिया है। अब मैंने कहा ये लाइन नंबर हटा दो वापस, तो पहले तो एक बात सुन लो, मैं सेट नंबर लिख के एंटर मारूं या शॉर्टकट में एसी एन यू करूं, बात क्या है, बराबर है, एसी एन यू बोले तो सेट नंबर, लाइन नंबर हटाना है तो एसी नो एन यू, सोनू को भाई नोनू होता है ना, हाँ नो इसको याद करो, क्या हो गया नो नंबर, मतलब नो, एक नंबर हट गए। और बात, आप नहीं भी हटाओगे ना तब भी आप फाइल से जब बाहर आओगे ना, देखो वो अपने आप वैसे ही हट जाता है, लेकिन आपने अगर कर लिया लाइन नंबर सेट और आपको हटाना है तुरंत, आपको हटाना है बिना बाहर निकले, तो फिर क्या करोगे, क्या करोगे, नो 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 एन यू, नो पक्का? नो अब एक नई बात नो, सुनो, एक बार दोबारा बता दीजिए सर इसे। पूरी फाइल में जब भी कहीं आप बैठे किसी फाइल के अंदर, आप सीधे सीधे घुसो पहले फाइल में, एक आदत डालो, पता मेरी जो आदत है, मैं किसी फाइल में घुसता हूं ना मैं काम नहीं करता, मैं पहले हमेशा ऐसी एन यू करता हूं, क्यों पता है, क्योंकि मुझे बच्चे को बताना पड़ता है, बच्चे का ध्यान कहीं और है, तो मैं कैसे बोलूंगा कि देख भाई लाइन नंबर सिक्स पे क्या लिखा है, तो बच्चे का दिमाग कैसे लेके जाऊंगा लाइन नंबर सिक्स पे, मैं वो लाइन नंबर लिख के, यस वो वहां ध्यान देगा कि अच्छा सिक्स नंबर, सर, अच्छा ये आउटपुट ऐसा होता तो क्या बच्चा हिसाब लगा पा रहा है लाइन नंबर सिक्स कौन सा है, नहीं सर, नहीं ना, तो आपके दिमाग को मैं लाइन नंबर सिक्स पे कैसे लेके जाऊंगा, तो मैं पहले हमेशा घुसते क्या कर लेता हूं, लाइन नंबर ऐसी है लेते नहीं। हो, अब मुझे कर्सर लेके जाना है सीधे सीधे लाइन नंबर फाइव पे, तो कॉलन मारो ऐसे और फाइव लिख दो, बस कर्सर अपने आप कहां पहुंच गया, देखो फिफ्थ हाँ लाइन जी पे, फिफ्थ फाइव पे, लाइन पे सर, कॉलन इलेवन, इलेवन पे, लाइन नंबर वन पे, लाइन नंबर 19 पे, कर्सर देखो अपने आप वहीं पहुंच जाता है जिस लाइन नंबर पे आप जाना चाहते, बट ये मत ओ रट्टा मार लेना कि ऐसी एनयू कर रखा है इसलिए कर्सर जा पा रहा है वहां पे, नहीं, आप भले यहां पे ऐसी नो एनयू कर दो, क्या कर दो, क्या कर दो, नो एनयू, दोबारा देखना, अब भी आप लिखोगे तो ये तो कमांड अपना काम करेगी अभी भी, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये हमारा लाइन नंबर फाइव है याद रहेगा, ठीक यस सर, है। एक जी बार सर एस यू जी सर, एन यू समझा दो। दोबारा समझो, आपको लाइन नंबर सेट करना है तो सेट नंबर कमांड चला दो दोस्त, कर लोगे, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर इसको अगर सेव करना हो, जैसे आपने बोला था ना कि वापस जाएंगे तो हट जाएगा ऑटोमेटिक, रुक जाओ रुक जाओ, अभी आऊंगा उस पर, ये सेव नहीं होगा ऐसे, क्योंकि ये डेटा है भाई, आपने नंबर ऐसे लगा रखा है आपने, ये सेव रहेगा ना ऐसे, ये नंबर आपका ऐसे करके, जी अब ये कंटेंट है ध्यान दो, बट वो कंटेंट नहीं है, वो तो एक फाइल को पढ़ने में मदद कर रहा है आपकी, क्या हेल्प कर रहा है बस वो ये नंबर। हेल्प कर रहा है, इंडेक्सिंग करके दे रहा है आपको,
जैसे आपसे कोई पूछे एमएस वर्ड में फाइल ओपन कर रखी है आपने, तो तुम जो पॉइंटर होते हो सामने बुलेट पॉइंट लगा लेते हो, जी सर, तो बुलेट पॉइंट हमारे कंटेंट का पार्ट थोड़ी होता है, वो तो हमने अपनी सहूलियत की लगा लिया। ये हो गया एसईएनयू वाले भाई साहब, कौन से डाउट है बताओ जल्दी से। मतलब ऐसी एनयू और सेट जी नंबर सर आ गया, सेम है? बराबर सेम है ऐसी सेट, मैं आपके सामने इसको नो नंबर लिखूं पूरा पूरा ऐसे, या ऐसा शॉर्टकट ऐसी नो एनयू कर दूं, बात क्या है, बराबर बराबर कर लोगे। सर। और किसी भी लाइन नंबर पे जाना है ठीक तो सीधे कर्सर मूवमेंट आप ऐसे कर सकते हो आप। जी सर, अब एक लफड़ा है फाइल के अंदर, वो सुन लो सब लोग ध्यान से। क्या, जब फाइल में आप कुछ भी ऐसे हाईलाइट कर लेते हो ना एक बार एक बार, जैसे आपने एस हाईलाइट कर लिया, तो देखो ये एस हाईलाइट हो गया ना फाइल के अंदर। हाँ जी हाँ सर, जी, हाँ अब जी तुम सर, जब जब इस फाइल में घुसोगे ना, पता है ये ऑटोमेटिक आपको हाईलाइट मिलेगा। ये बोलेगा भैया आपने सर्च मारा था लास्ट टाइम, पता नहीं क्यों सर्च मारा था आपने ये। अब आप जब जब इस फाइल में घुसोगे ना, ये ऐसा ही मिलेगा, और नॉट इन दिस फाइल ओनली, आप सिस्टम की किसी फाइल में घुसोगे आपको ये एस सब जगह क्या मिलेगा। अच्छा लग रहा है क्या ये आपको, ऐसा लग रहा है फाइल्स के पिंपल हो गए नहीं नहीं क्या? सर, उसको नहीं सर, ये बेकार लग गंदा लग रहा है। रहा है ना, तो यस इस सर, केस में आपको नो एचएल करना पड़ेगा, कॉलन, नो नो हाईलाइट, एचएल, नो ये हाईलाइट। जो हाईलाइट हुआ था। अब ये मत याद करो कि उसी फाइल में करना पड़ेगा जहां पहले मैंने सर्च किया था, नहीं, किसी भी एक जगह कर दो, उस सब में से अपने आप हट जाएगा। हट गया। यहां से देखो दोबारा देखो, ये मैंने नोट्स में कमांड लिखी होगी पक्का कहीं, देखो ध्यान से, ये काम मतलब की सर, अगर कमांड आप है। एक फाइल पे नो एचएल कर रहे हो तो जितनी भी फाइल्स पे वो हाईलाइट हो सबको हटा देगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखो ध्यान से दोबारा, ओके सर। सेट नंबर किया एस यू एन ई किया, बात बराबर। हाँ जी जी सर, सर, कॉलन 10 मतलब मूव कर्सर यस डायरेक्टली ऑन एनी क्या पर्टिकुलर लाइन नंबर, जी सर, नंबर हटाना है तो SNONU, नो एच एल क्या करता है जल्दी बताओ, टू रिमूव द रिमूव हाईलाइट हाईलाइटेड कलर, वर्ड जो हाईलाइट कलर कलर्स, होते हैं उनको रिमूव कर देता है, हटा देगा। एनी फाइल सर। अब एक फाइल का वीक पॉइंट बताने जा रहा हूं, वो सुनो। जैसे मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में ग्रेप कमांड के अंदर, कि यार ग्रेप जब सर्च करती है तो केस सेंसिटिव आता है, क्या आता है, केस सेंसिटिव, तो जब आपको स्पेलिंग पता है बट करेक्टर कैप्स में स्मॉल में ये नहीं पता आपको, तो क्या लगाते हैं वहां पे, हाइफन आई, केस आई लगाते हो। सेंसिटिव, जी सर, सेम इस टॉपिक को दोबारा करो, जब फाइल के अंदर बैठे हैं आप, फाइल के अंदर आप, और आपने पूछा कि सर्च मारो फाइल में टीपीएम कहां लिखा है, टीपीएम लिखा देखो मैंने फाइल में है, देखो आंखों के सामने हाँ जी सर, स्लैश लगाया बट सर्च नहीं कर रहा, देखो मना कर रहा है भाई है नहीं टीपीएम, तो केस आप सेंसिटिव सब लोग शायद। देखो फाइल में टीपीएम है ना, हाँ जी इसका सर, दिख रहा है। मतलब ये केस सेंसिटिव सर्च करता है बाय डिफॉल्ट। तो ऐसा क्या करें कि अभी फिलहाल ये केस सेंसिटिव को बंद कर ले बैकएंड में, तो यहां पे एक कॉलन लगा के कमांड फायर करो, सेट कमांड क्या है, आई सी, इग्नोर केस, क्या कमांड है, इग्नोर केस, इग्नोर केस का मतलब क्या होता है, इग्नोर केस फाइल के लिए भूल जाए कि कैप्स मतलब ये लॉक भूल जाए स्मॉल कि क्या है, कैप्स में मैंने या कर दिया उसमें पहले है सेट इग्नोर केस मार दिया, अब मारो दोबारा से स्लैश, क्या मारो, फ्लैश। अब स्मॉल लिख दो टीपीएम बस, अब देखो फिर भी क्या हो गया, हाँ, वो हाईलाइट हो गया। रूट लिखा देखो मैंने स्मॉल में, या रूट में लिखा कैप्स में, तब भी देखो सर्च कर पा रहा हाँ जी सर, है। एफटीपी देखो, एफटीपी दोनों हाईलाइट हो रहा है, कैप्स वाला भी हो रहा है और स्मॉल स्मॉल वाला। वाला भी। दोबारा फिर सुन लो टॉपिक को, समझ में नहीं आया तो दोबारा सुनो दो स्टार्टिंग से। किसी फाइल में जब आप घुसा करें और फाइल में घुस के आपको लगे कि केस सेंसिटिव मोड यार आपका मुझे बंद करना है, तो सेट पहले क्या करो, इग्नोर आईसी, केस, इग्नोर केस, और दोबारा नो आईसी कर दोगे तो वैसे केस सेंसिटिव शुरू हो जाएगा। हाँ दोबारा से ना, जी सर, तो ये कर लोगे आप। इसका मुझे नोट्स बताओ, इस नोट्स में आप कर पाओ तो मैं इसको डन लिखूं, ये वाला ऑप्शन मुझे लगता है आप कर लेंगे सब लोग। हाँ जी सर, हाँ, एसी एनयू ये लाइन नंबर वाला, सेट इग्नोर केस का प्रैक्टिकल कैसे करोगे आप, इसका प्रैक्टिकल कैसे सर्च करोगे आप फाइल में ही सर्च करके। भाई, पहले डीएक्टिवेट द केस सेंसिटिव मोड, एक कमांड चला दो और फिर एक बार स्लैश लगा के कुछ भी क्या करना, सर्च सर्च करके कर लेंगे। देखना। मैंने लिखा है नाउ इट विल क्या है,
वॉक वर्क, फिर ये दोबारा हटाना है तो क्या कर देना? नो आईसी, एस नो आई सी। अच्छा नो एच एल क्या करता है? हाईलाइट हाईलाइट कलर्स को हटा दो। रिमूव। कर लोगे? अब मैं हाँ उन जी भाई साहब को जवाब देने जा रहा हूं जिन्होंने अभी बीच में ये पूछा था कि सर वो लाइन नंबर बार बार आप कह रहे हो बाहर आते हट जाएगा, जैसे आपने ये किया आप फाइल से बाहर आ गए, फिर गए तो फिर हट गया, ये तो फिर लगाओगे मान के चलो, क्या करोगे? हाँ भाइयों, अरे फिर इसमें हट गया। कर। हाँ जी तो सर, इसमें क्या करो, डेवलपर ने एक फाइल्स बनाने को बोला है, पता क्या, कि आप अपने होम अकाउंट में एक हिडन फाइल बना लो डॉट विम आर सी के नाम से। किस नाम से? डॉट विम आर क्योंकि सी। ये इसकी प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। वीआई के डेवलपर ने बोला है कि भाई जब भी आप चाहते हो वीआई से फाइल खोलें, वीआई या विम किसी से खोलो, बट अगर विम आर सी फाइल में लिख के तुम जो जो कमांड इसमें डाल दोगे ना विम आर सी के अंदर, वो कमांड ऑटो एग्जीक्यूट हो जाएगी जब जब मशीन क्या करोगे आप फाइल ओपन। करेंगे ध्यान से सुनो, इस फाइल का नाम विम आर सी ही रखना है, सिस्टम तो कॉल करेगा इसको, नहीं तो कॉल नहीं करेगा, याद रखना। डन। ऐसी क्या करा मैंने, पहले तो ये बताओ ये फाइल मैंने बनाई कहां पे है? अपने होम अकाउंट में। और होम अकाउंट किसको कहते हैं हम लोग? टेल्ड के। हाँ दोबारा देखो, मैंने ये ऐसी यूनिक कमांड चला दी। अच्छा मैंने ये भी कमांड डाल दी मान लो, तो क्या होगा फिर? जितनी भी फाइल में इग्नोर घुसूंगा इग्नोर केस अपने आप बंद हो जाएगा और ऐसी एनयू अपने आप चलना स्टार्ट हो हो जाएगा। जाएगा। देखो दो कमांड अपने आप चल गई, देखो ध्यान से, मैंने एफटीपी सर्च मारा है तो देखो बड़ा वाला एफटीपी भी हाईलाइट हो गया अपने आप, और देखो आगे लाइन नंबर सेट होके अपने आप आ गया। अच्छा मैंने नंबर हटा दिया मैनुअली मान लो, मैंने कोई बात नहीं अभी हट गया, लेकिन दोबारा आओगे तो फाइल में क्या होगा? दोबारा दिखाई दे जाएगा। मिलेगा जब कोई पूछे कि ये कमांड मैं चाहता हूँ वीआई से फाइल ओपन करूं तो अपने आप चल जाए करे, मुझे ना चलानी पड़े, तो उसको डॉट विम आर सी में क्या करते हैं? एडिट कर सेव देते हैं। यस सेव कर देते हैं। याद हो गया? तो विम आर सी सर। फाइल में जो भी कमांड लिखी जाती है वो विम से फाइल ओपन करने पे ऑटो कमांड क्या हो जाती है? एग्जीक्यूट। हो जाती अब है। मैंने इस विम आर सी को डिलीट मार दिया, ध्यान दो, इस पे सही बना रहा है। हाँ फिर फाइल में गया तो देखो अब वो बंद हो गया। जी सर। तो फिर सुन लो ये क्वेश्चन, आपके इंटरव्यू पूछा जाता है कि लाइन नंबर सेट कैसे करते हैं बताओ, तो आप बोलोगे ऐसी एनयू करता हूँ सर, वो बोलेगा यार ये तो ऑन दैट स्पॉट तभी होता है लेकिन बाद में ये हट जाता है, तो क्या करोगे आप? सर या तो मैं हर बार फिर कर लिया करूंगा सेट, एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है परमानेंट लाइन नंबर सेट अगर करना है फॉर ऑल द फाइल्स, तो हर यूजर अपने होम अकाउंट में क्या कर सकता है? डॉट विम आर सी फाइल बना सकता है सेम है, और उसमें क्या सेटिंग करेगा वो? वो एक कमांड चला के क्या करेगा फाइल को? और सेव सेव करे। कर लेगा डब्ल्यू अब को। किसी भी फाइल में घुसोगे नाउ यू विल गेट ऑटोमेटिकली लाइन नंबर्स इन एवरी, क्या है, फाइल एवरी फाइल, और ये आपने डिलीट कर दिया वो तो आ, चीजें हट जाएंगी सर, हट वो तो गया। परमानेंट है जी। तो अब ये बताओ अगर मैं एक यूजर ऐड करता हूं आपके सामने सोनिया, डन, और सोनिया अपने अकाउंट में जाती है कोई फाइल बनाती है, तो क्या इसमें लाइन नंबर आएगा अपने आप? नहीं सर। नहीं आएगा। तो क्या ये अपनी बीमारसी फाइल अलग बना सकती है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, यूजर बना सकता है। बना ली, और अब ये एवीसी में जाएगी तो नहीं आया समझ में? सर रूट अकाउंट से होगा सर ये। सर मतलब नहीं, सेम सेम लोकेशन होना मस्ट है। यस, ध्यान से सुन लो, रूट से लॉगिन थे आप तो रूट ने अपने होम अकाउंट में बीमारसी फाइल बनाई थी तो उसमें काम कर रही है वो, लेकिन वो यूजर वाले में काम नहीं करेगी, यूजर को सेटिंग करनी, तो यूजर भी क्या करेगा अपने अकाउंट में? रिमार्सी फाइल होम बनाएगा, अकाउंट में कोई बनाएगा भी हिडन फाइल, दोबारा सुन लो, जो जिसके अकाउंट में होती है उसमें जो सेटिंग करते हो आप वो उसी के अकाउंट में काम करती है, दूसरे के साथ कभी वो क्या नहीं होती, एड ऑन नहीं नहीं होती। होती। तो आपसे यहाँ इंटरव्यूज में डिफरेंस पूछा जाता है क्या, कि दो डिफरेंस बताइए मशीन के अंदर, डिफरेंस बिटवीन डॉट विम आर सी एंड ईटीसी विम आर सी फाइल में डिफरेंस बताइए, बिटवीन विम आर सी एंड ईटीसी विम आर सी फाइल, समझ जाओ ध्यान से, इसका मीनिंग वही है पता है क्या? तो सोनिया वाली फाइल आपने नहीं सोनिया बनाई थी सर, उस होम अकाउंट में नहीं बनाई थी सोनिया वाली बीमारसी वाली मैंने सोनिया के ही होम अकाउंट में बनाई थी, तो ये सर देखो उसमें कमांड क्यों नहीं सर सेव हुई? सेव हो तो गई, सेव है ना ये?
तो अब सोनिया कोई भी फाइल बनाएगी, लाइन नंबर सेट होके आएगा अपने आप, देखो उसके अंदर। ठीक है ठीक है। अच्छा एक ही लाइन थी ना सर, इसलिए लेकिन सुपर। लेकिन रूट ने बनाया तो रूट में काम कर रहा है, और सोनिया ने बनाई तो सोनिया में काम करेगा। तो कोई पूछे यार ये क्या लफड़ा है। एक बात बोलूं मैं, ध्यान से सुनना सब लोग, ईटीसी के अंदर जो विमार्सी फाइल होती है ना, इसमें जो सेटिंग करी जाती है वो चाहे हैश हो चाहे डॉलर 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 कोई सा भी हो यूजर, सब पे क्या हो जाती है ग्लोबली, लाइव जाती है ग्लोबल ये ग्लोबल डेफिनेशन है। क्या है? डेफिनेशन, और जिसने अपने अपने होम अकाउंट में बनाई वो सेटिंग मुझे यहां नहीं करनी, इसका मतलब लिनक्स में इस वाली फाइल में पहले से ऐसी एनुअली कमांड डिफाइन नहीं हो रखी है, तो इनको अपने अपनी मर्जी से करनी पड़ती है पड़ रही है। पर तुम ऐसी एनयू को यहीं डाल दो तो फिर क्या होगा, सबके लिए ग्लोबल हो जाएगा सब वो। में ऑटो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब दोबारा सुनो ध्यान से, एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान के चलो आप डीडीए वाली कॉलोनी में रहते हो, आप क्या रहते हो, डीडी ठीक वाली है, डीडीए तो आपने अपने मकान के अंदर सबकी अपनी अपनी पर्सनल एक एक वाइफ है मान के चलो मिनिमम है, तो वो अपने मिनिमम अपने मकान को, अच्छा सॉरी मिनिमम मतलब फाइफ है अपनी है, ठीक है, तो वो अपने अपने मकान के अंदर कुछ भी करे, यहाँ पे ये अपने मकान के अंदर कुछ भी करे, और ये अपने मकान के अंदर, हाँ दैट इज योर पर्सनल कस्टम सेटिंग्स, क्या है ये। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि बाहर का कलर जो है वो सबका क्या है, सिमिलर होना चाहिए, ये क्या है ग्लोबल पॉलिसी और ये क्या है अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी, यस और नो, इंटरनल पॉलिसी। यस। अब ध्यान दो, इन्होंने बोला कि नहीं बाहर का सबका कलर येलो कर दो, अब तो फिर येलो कलर सबका बाहर ये कर दिया जाएगा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। हाँ जी सर, अब इसने कहा कि मुझे नहीं, मुझे तो अंदर वाला एरिया ग्रीन रखना है अपना, तो भैया इसको ग्रीन कर लो, कोई दिक्कत है आपको। नहीं सर। तो सेम आपसे पूछे कोई इंटरव्यूज के अंदर कि जो विम आरसी फाइल आप बनाते हो यही सेम फाइल ईटीसी के अंदर यहां पड़ी होती है, सर बोलो ये हमारी कस्टम सेटिंग होती है ग्लोबल यूजर के लिए, सब पे काम करेगी, और जो ये कर रहे हैं वो पर्टिकुलर पर्टिकुलर सेम। आगे जाके मैं एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा, सुन लो आपसे, जब मैं बोलूंगा यूजर के होम अकाउंट में एक फाइल है बैश आरसी, कौन सी फाइल है बैशर इसमें सेटिंग करो, फिर मैं आपसे पूछूंगा तो फिर बताओ वो ईटीसी बैश आरसी क्या करता है। यही सेम डिफरेंस है कि जो यहां करोगे वो सबके लिए सेम अप्लाई, हो जाएगा, हो बट जो जाएगा यहां होगा वो उस पर्टिकुलर यूजर के लिए क्या करेगा, यूजर यूजर स्पेसिफिक स्पेसिफिक। होगा। सुन लो, हर प्रायोरिटी किसको है? लिनक्स में पहली प्रायोरिटी होती है इस, जो हमारा ये फाइल मेन ऊपर वाली होती है ना, ये अप्लाई होती है हमेशा ईटीसी वाली, ठीक है, लेकिन यूजर ने अपनी प्रायोरिटी सेटिंग कुछ कस्टम कर ली तो फिर वो प्रायोरिटी इसको यहां से उठाएगा अपने आप से, कौन सा उठाएगा वो, सेल्फ वाली उठाएगा, इस वाले को उठा लोकल लेगा, यूजर और यहां अप्लाई नहीं है तो पहले डिफॉल्ट पॉलिसी कहां से कॉल करेगा, वो ईटीसी वाले से। ऊपर वाली कॉल करेगा। तो ये बताओ ये जो ऐसी एनयू मुझे रूट में अलग करना पड़ा था और सोनिया में मुझे अपना अलग करना पड़ा, क्यों करना पड़ा पता है, क्योंकि मेन फाइल में ऐसी एनयू पैरामीटर डिफाइन नहीं है, नहीं है जो नहीं है। ईटीसी के अंदर है। अब ध्यान दो, ये जो फाइल है ईटीसी बीमारसी वाली दैट इज फॉर द ग्लोबल यूजर्स, इसमें जो जो चीजें पहले से लिखी हैं, जो जो चीजें पहले से लिखी हैं कि फाइल ओपन करोगे तो ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा काम करेगा, ध्यान से सुन लो, तो इसी के अंदर देखो कहीं पर ये सेट कमांड लिखी है बहुत सारी, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या इसमें, ध्यान से देखो कहीं सेट नंबर कमांड है कहीं पे, नहीं नहीं है ना, तो अगर इसी में ऊपर जाके यहां पे मैं ऐसी एनयू लिख दूं अभी आपके सामने तो वो सब में क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई अप्लाई हो हो जाएगा ना। जाएगा। वाइल्ड डीएमईएनयू एनयू नहीं क्या कह रहे हो, सर, सेट वाइल्ड डीएमईएनयू हाँ वाइल्ड मेन्यू है। ऑल राइट, मेरे को एनयू लगा। ऑल राइट ये ठीक डिस्प्ले मेन्यू के लिए होता है, ये है जी, इनकम्प्लीट कमांड है, ये आपकी शो कमांड, ये मतलब ऐसे मान के चलो विम की कमांड है सारी। जैसे जी कोई आपसे पूछे कि ये बताओ ये जो हु कमांड है ये किसकी कमांड है, सर ये तो लिविंग्स की कमांड यूनाइटेड। है, तो ये भी तो कमांड ही होती है ना, कॉलन डब्ल्यू क्यू, या ये कॉलन एस एन यू ये कमांड है, ये चरी क्यों नहीं फिर आप, सर सुनो ये टर्मिनल वाली कमांड नहीं है, क्या नहीं है, नियम की है, ये आपको किसी फाइल में नियम
अंदर बैठ के ही रन करनी पड़ेगी। अब उसको कमांड मोड में कैसे जाओगे, ध्यान से सुन लो, कमांड मोड दो है लिनक्स के हमारे पास। एक कमांड मोड हम कहते हैं इसको जो फ्रंट एंड पे ये आ रहा है, दैट इज अ टर्मिनल, लेकिन फाइल में घुस गए आप, और ये जो कमांड मोड है किसका है, केवल फाइल का कमांड मोड है। किसका, फाइल का कमांड मोड। वीआई स्पेसिफिक जो कमांड है ना पर्टिकुलर, वो चलेंगी यहाँ पे। तो मैंने कमांड चलाई ये वाली, तो चलेगी यहाँ पे आराम से। डन। डन सर, हाँ जी, डन सर। अब मैं आपको एक बात यस बताने जा रहा हूँ आपसे, जो क्वेश्चन आपसे, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। वैसे टॉपिक आज वाली क्लास का नहीं है, आगे पढ़ाऊंगा आपको ये, लेकिन अब आप सुन लो, अभी बात छिड़ी है तो आपके समझ में आज जल्दी आ जाएगा ये टॉपिक। आपने अभी एक सेटिंग करी थी कि वीआई से जब जब कोई फाइल ओपन करूं तो ये कमांड अपने आप चल जाए, तो हर यूजर अपने अकाउंट में क्या कर सकता है, सेटिंग कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, कौन सी फाइल में कर सकता है, बीएमआरसी। बीएमआरसी के अंदर। ऐसे ही सुन लो, आपसे पूछा था इंटरव्यूज के अंदर कि आप जब जब सर्वर पर लॉग इन करते हैं, आप चाहते हो आपके अकाउंट से ये वाली कमांड अपने आप चल जाए, ये कमांड चल जाए अपने आप। आपको हर बार लॉग इन के बाद ना, ऐसी मान लो कुछ कमांड्स हैं 1 2 3 4 5, और ये कमांड एवरी सेशन पे आपको चलानी पड़ती है, भले ही आपने 5 मिनट के सिस्टम लॉग आउट मारा, और 5 मिनट के बाद भी सुन लो अगर सर्वर पे लॉग इन करे, तो ये कोई ऐसी एप्लीकेशन की कमांड है, जब तक इनको नहीं चलाता तब तक वो एप्लीकेशन से मैं बात करना स्टार्ट नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो पता है क्या करोगे, आपसे पूछा जाता है कि आपके होम अकाउंट में हिडन फाइल होती है बैशआरसी फाइल, कौन सी फाइल है, इसमें जाके देखो मैं क्या कर रहा हूं। मैंने कहा जैसे ही सिस्टम मेरा सेशन ओपन करे, इको एक मैसेज आ जाए हेलो इंडिया, एक कमांड चले अप टाइम, एक कौन सी कमांड चले, हाँ क्या होगा बताओ जल्दी सब लोग, हेलो इंडिया, इको कमांड क्या होगा बताओ, स्टार्ट वर्क नाउ। ये कमांड पता क्या होगा। देखो जैसे ही मैं सेशन ओपन करूंगा, एवरी सेशन पे ये कमांड ऑटो एग्जीक्यूट हो जाएंगी मेरी सारी। तो बताओ अब ये वीआई वाली कमांड ऑटो एग्जीक्यूट हो रही है, वीआई विम वाली या लिनक्स वाली कमांड है सारी है। अरे भाई देखो ना, मैंने सेशन लॉग आउट कर दिया, फिर दोबारा मैंने सेशन ओपन किया आपके सामने, तो लिनक्स से कमांड होगी ना, जैसे टर्मिनल पुट्टी पे से मैं लॉग चलती आउट हो है, गया। टर्मिनल्स टर्मिनल कमांड है ये, कमांड है सही, वो टर्मिनल तो पे आपसे कोई चलेंगी। डिफरेंस पूछा जाएगा पता क्या, कि बताओ विमआरसी में भी कमांड डिफाइन करते हैं आप और डॉट बैशआरसी में भी कमांड डिफाइन करते हो, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सर बोलो नहीं, दोनों अलग अलग हैं। सर डॉट विमआरसी में केवल हम वो कमांड फायर करते हैं, डिफाइन करते हैं, जिनको वीआई और विम समझता है कि फाइल में घुसूं तो ये कमांड ऑटो एग्जीक्यूट हो हो जाए। जाए बट जाता हूं मैं एज अ यूजर सिस्टम में लॉग इन करूं, जैसे लैंडिंग करूं मैं, तुरंत ये कमांड चल जाए अपने आप, मुझे ना चलानी पड़े। सर उसको कहते हैं डॉट बैशआरसी, क्या बोलते हैं, डॉट पैसा से। सेम डिफरेंस। फिर आपने अगर ये बता दिया गलती से कि सर बैशआरसी में जो भी लिखता हूं वो कमांड ऑटो एग्जीक्यूट हो जाती है एवरी लॉग इन प्रॉम्प्ट पे, अब इन सबको मैंने यहां से क्या किया वापस से हटा दिया, तो सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो बताओ ईटीसी में और डॉट बैशआरसी में, और ईटीसी बैशआरसी में डिफरेंस क्या होता है। सर सुनो, यहां पे जो डिफाइन है वो तो सब में चल रहा है, लेकिन ये मैं अपनी पर्सनल कोई भी कमांड एग्जीक्यूट यहाँ पे अलग से कर सकता हूँ कर पा रहा हूं, लेकिन यहां जो कर दिया कर देंगे दोबारा से तो क्या होगा सर, फिर वो सब यूजर के लिए क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा अप्लाई हो जाएगा। एक टॉपिक में छीड़ रहा हूं क्लास में, दोबारा सुन लो सर। ये जो ये। बै सॉरी सर, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो वेम आर सी और ये डॉट बेस आर सी है सर, ये सारे फ्लेवर्स पे चलता है या सिर्फ रेडिट के सब इस में पे? चलेगा, सब में चलेगा, ओके ठीक है। सर, ओके सर, डिफरेंस बिटवीन क्या बोला मैंने आपको, ऐसे सेम डॉट बैशआरसी एंड क्या है ईटीसी बैश आर सी। बैशआरसी फाइल। आपको कोई कोई भी पूछे हाउ वी कैन कॉन्फिगर ऑटो एग्जीक्यूट कमांड इन लिनक्स विद एनी यूजर क्या है, अकाउंट किसी भी अकाउंट से आपको कुछ कमांड ऑटो एग्जीक्यूशन में डालनी है कि आप टाइप ना करें लेकिन फिर भी अपने आप से क्या हो जाए वो, ऑटो एग्जीक्यूट हो जाए। तो याद रखना सीधे बोलो सर मैं ऐसे मान के करो चलो लॉग इन करके बैठा हूं, तो टिल्ड वाली पोजीशन पे अपनी डॉट बेशार्सी फाइल में जाऊंगा और जो भी इसमें लिखूंगा क्या करूंगा, अरे जो भी कमांड लिखोगे क्या वो होगा, ऑटो एग्जीक्यूट हो जाए, हम टर्मिनल ओपन करेंगे। नाउ दीज कमांड
कमांड विल ऑटोमेटिकली क्या है एग्जीक्यूट ऑन एवरी क्या है लॉगिन सेशन या फिर लॉगिन लॉग प्रॉम्प्ट बाय दिस क्या है क्या है यूजर, सर यूजर, पर्टिकुलर यूजर। यूजर। टॉपिक समझ आ रहा है? फिर आपसे पूछा था डिफरेंस बताओ डॉट बैश आर सी में और ईटीसी बैश आर सी में। सर सेम चीज सुन लो, अगर सोनिया ने अपनी बैश आर सी में सेटिंग करी तो सोनिया वाले अकाउंट में काम करेगी, रूट ने करी तो रूट में काम करेगी, लेकिन जब सब में सेम काम करे तो क्या करोगे? बैश आर सी में डेटिंग, बैश आर सी में काम करोगे। और जैसे ही आपने गलती से बता दिया, जैसे आपसे कोई पूछे सर्वर पे कि ये बताओ एक क्लाउड का सर्वर है आपके ऑफिस में, उसमें कोई टॉमकैट अपाचे कोई एप्लीकेशन चल रही है जावा की, पर जब तक आप कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल इंपोर्ट नहीं करते ना कमांड से, तब तक यार वो एप्लीकेशन काम ही नहीं करती, आपसे बात ही नहीं करती आपसे, वो क्या करोगे फिर आप? सर ये कमांड बार बार चलानी पड़ती है मुझे सर्वर पे, क्या करोगे? इनको उठा के डाल दूंगा मैं अपनी डॉट, विमआरसी में डालोगे या बैशआरसी में डालोगे? डैश आर सी। सर वीआई विमआरसी में तो केवल वो वीआई वाली कमांड डालता हूँ जो विम से फाइल ओपन करूं तो चले, बट डॉट बैशआरसी में क्या डालता हूं मैं? जो टर्मिनल पे चले, ठीक केवल टर्मिनल पे चले। याद हो गया? फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा अगला क्या? अच्छा तो अब आप डिफरेंस बताइए, ये तो आपने बताया डिफरेंस बिटवीन, आपने बताया क्या बिटवीन डॉट बैश आर सी एंड डॉट, विमारसी। बता दोगे? हाँ जी सर, हाँ और जी बता गलती से ये देंगे। बता दिया, तो अब अगला क्वेश्चन सुनो मेरा, बिटवीन डॉट बैश आर सी एन, फिर क्रॉनटैब में क्या डिफरेंस होता है? वो तो कह रहा है मैं भी चलाता हूँ कमांड, तो शायद शेड्यूलिंग के लिए यूज होता है नहीं क्रोन टैब, नहीं नहीं सुनो सुनो शेड्यूलिंग। ध्यान से, बैश आर सी कहता है मुझे टाइम टेबल से मतलब नहीं होता, तुम जितनी बार लॉग इन करोगे उतनी बार कमांड चलाऊंगा। क्रॉनटैब क्या कहता है? जो तुमने टाइम टेबल बताया मैं तभी रन समझो करूंगा। अच्छा उस टाइम पे रन करता हूं मैं हर बार अपने आप से, मुझे लॉग आउट लॉग इन से मतलब। नहीं होता, क्रोन तो एक सुन टॉप लो ध्यान से। से, डॉट बैश आर सी का मतलब होता है विल एग्जीक्यूट ऑल द थिंग्स ऑन क्या है एवरी लॉग इन सेशन, लॉग इन प्रॉम्प्ट। यस क्रॉनटैब क्या कहता है? विल एग्जीक्यूट ऑल द थिंग्स बट ऑन डिफाइंड टाइम टाइम बाय द लिनक्स एडमिन एडमिन। नहीं आया समझ में टॉपिक? जो शेड्यूल टाइम टाइम। तुमने हाँ बताया डिफाइन टाइम, या यू कैन से जो शेड्यूल्ड टाइम तुमने मुझे बताया है उस पे चलाऊंगा मैं अपने आप एग्जीक्यूट। नहीं हुआ। बैशआरसी कहता है मैं भी कमांड रन करता हूँ, विमआरसी कहता है मैं भी कमांड रन करती हूँ, क्रॉनटैब कहता है मैं भी तो रन करता हूँ, तो अब सब में डिफरेंस बताओ फिर आप। तो ये बताओ सर ये तो वीआई विम वाली कमांड चलाता है, कब? जब वीआई से फाइल ओपन करेंगे तब चलाएगा, अपने आप नहीं चलती कभी ये। जब जब मैं लॉग इन करूंगा तब तक वो कमांड को क्या करेगा? ऑटो एग्जीक्यूट करेगा। कर देगा क्रॉनटैब क्या सर। करता है? क्रॉनटैब कहता है मैं भी कमांड चलाता हूँ, लेकिन जितने बज के जितने मिनट पे जिस दिन आपने बताया उस टाइम पे रन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। टॉपिक सुन रहे हो ना? हाँ जी सर, हाँ जी सर, सुन रहे हो? अब फिर हाँ टॉपिक सुनो जी। अगला वाला, जब आपने ये बता दिया। अब सुनो हमने क्रॉनटैब टॉपिक अभी पढ़ा नहीं है, हम आगे जाके इस टॉपिक की बात करेंगे और डेप्थ करेंगे, लेकिन में। अब इतनी बात सुन लो ध्यान से, जैसे ही आपने ये बता दिया तो अगला क्वेश्चन पूछेगा क्या कि भाई साहब बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो आप, तो अब बताओ फिर क्रॉनटैब में फिर एट कमांड में डिफरेंस क्या होता है? क्या बोलेगा क्रॉनटैब में? और फिर ध्यान से सुन लो, दोनों ही एट जॉब कमांड, शेड्यूल करते हैं लोग, ए एट भी कहता है मैं भी जॉब शेड्यूलिंग पे चलता हूँ, क्रॉनटैब कहता है मैं भी जॉब शेड्यूल पे चलता हूँ, पर प्लीज क्रॉनटैब का मतलब हमेशा होता है टेक्निकली अगर मुझसे पूछो तो, इसको बोलते हैं रिपीट। क्या बोलते हैं इसको? रिपीट रिपीटेशन। और रिपीट एट का मतलब होता है एट अ टाइम ओनली, एक बार में वन टाइम। जैसे आपने बोला कि इतने बजे बैकअप आ जाए, एट कमांड से लगा दिया अपने टास्क आपने, तो एट पता है क्या करता है? उतने बजे चला के टास्क अपने आप खत्म कर देगा। लेकिन क्रॉनटैब क्या कहता है कि वो जो टाइम तुमने लगाया है, जैसे हमने कहा मंडे को ये टास्क चले, तो क्या अगेन मंडे नहीं आएगा दोबारा? हाँ जी आएगा सर, अगेन मंडे आएगा, आएगा आएगा। तो वो हर क्रॉन्टेप बार वो जो टाइम मैच करेगा उस पर चलाता रहेगा उसको, जब तक तुम उसे खत्म ना कर दो मैनुअली। एट कहता है मैं एक टास्क को एक बार चलाता हूँ डिफाइंड टाइम पे और चल के तुरंत खत्म हो जाता हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करता।
बट ओके नॉट सर, क्या है, ध्यान से सुन लो, वंस अपॉन एट ए टाइम, मुंबई आपने सुनी थी मूवी? हाँ, हाँ जी सर, देखिए इसका मतलब क्या है, एक बार कोई टास्क चला के खत्म हो जाए अपने आप से, तो बोलो सर एट कमांड से टास्क को शेड्यूल करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताओ कि हर 5 मिनट में आरसिंक वाली कमांड बैकअप लेती रहे अपने आप से, तो बताओ एट चलाओगे क्रॉन टैब लगाओगे? क्रॉन टेब क्रॉन लगाएंगे सर, टैब सर, इसके ये अंदर तो रिपीट हो क्रॉन गया टैब कुछ लगेगा तो क्योंकि क्रॉन रिपीट टेब। चाहिए मुझे। अब मैंने कहा केवल अब से आधा घंटे के बाद आरसिंक चले और चल के अपने आप खत्म हो जाए बस, फिर नहीं चले, जब तक तो फिर मैं दोबारा चाहूंगा तो फिर मैं लगाऊंगा दोबारा से, तो वो क्या है? एट कमांड का एग्जांपल एट क्रॉन कमांड है। सब क्वेश्चन सुनो ध्यान से, गलती से टॉपिक देखो कहाँ छिड़ गया मेरा। टेब में भी सर एक बार लगा सकते हैं ना। क्रॉन टैब एक बार लगाया, लेकिन क्रॉन टैब से जो टास्क लगा दिया दोस्त आपने, वो टाइम जब जब मैच करेगा वो टाइम हर टाइम उसी पे चलेगा वो टास्क आपका, रिपीट मारेगा जब तक उसको खत्म नहीं कर दोगे मैनुअली आप कमांड लाइन से उसको। एट क्या कहता है, मैं एक बार ही चलता हूं चल के अपने आप खत्म। क्रॉन टाइम में सर, डेट यूज नहीं होती क्या? डेट यूज होती है क्रॉन टैब में, लेकिन वो डेट क्या दोबारा नहीं आएगी? ओके जैसे ये बताओ, आपने 6 जून को आपने कोई टास्क लगाया, क्योंकि 6 जून अगली साल दोबारा नहीं आने वाला क्या? वो और आएगा, सर मतलब इन केस ऑफ ईयर, मतलब पूरी डेट की बात कर ईयर रहे हैं डिफाइन कर दे तो सर, सर ईयर ईयर डेट का बोल। ऑप्शन है नहीं उसके अंदर। ओके ओके अच्छा, ओके, अब समझ समझ गया आ सर, फिर गया? तो होगा। अच्छा वो रिपीटेशन का एग्जाम्पल है कि चलता रहे चलता रहे जब तक है जान। क्या है जब तक है तो जान ये क्या सर। है, एक बार चलना है डिफाइन टाइम पे और तुरंत खत्म हो जाना है, मैं आपको खत्म करने नहीं आऊंगा। समझ आ गया? हाँ जी हाँ सर, जी। तो ये देखो क्वेश्चन, देखो कहाँ से छड़ा गलती से, मैं क्या पढ़ाने बैठा था आपको? हाँ मैं पढ़ाने बैठा था ये जी विमर्शी वाली फाइल आपको, ठीक है? तो विमर्शी सर, मैंने बताया, तो मैंने क्या समझाया कि जो कमांड विम से चलाना चाहते हो ऑटो एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, तो भैया विमर्शी में सेटिंग कर दो, सिस्टम लॉगिन जब जब करूं मेरे अकाउंट से ये कमांड चल जाए, तो सेटिंग कहाँ करो? बैशआरसी में करो। फिर जब बैशआरसी बात वाली बात छिड़ी तो फिर कहाँ पहुंचा टॉपिक कि बैशआरसी क्या है, फिर ईडीसी बैशआरसी क्या है? तो बताओ सर ये ग्लोबल अप्लाई पैरामीटर वाली फाइल है और ये मेरी इंडिपेंडेंट सॉरी पर्टिकुलर पर्टिकुलर यूजर के लिए क्या करेगी, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में काम करेगी। कमांड अब जैसे ही आपने ये बोला बैशआरसी, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन फिर बन गया, कह रहा फिर बताओ क्रॉन टैब क्या करता है? तो बोलेगा क्रॉन टैब भी तो कमांड चलाता है। तो आपने बताया बैशआरसी में जो लिखूंगा उसको टाइम टेबल से मतलब नहीं है, वो हर बार लॉग इन पर उसे चलाएगा। क्रॉन टैब क्या कहता है, एक डिफाइंड टाइम पे टास्क क्या करूंगा, रन करूंगा। फिर आपने अगला क्वेश्चन मैंने पूछा कि बताओ फिर क्रॉन टैब में और एट में क्या डिफरेंस होता है, तो फिर आपने बताया क्रॉन टैब सर जब तक टास्क खत्म नहीं करते तब तक वो चलता रहता है हमेशा उस डिफाइंड टाइम के ऊपर। एट क्या करता है, एट अ टाइम एक बार चल के तुरंत खत्म हो जाता है, हमको खत्म नहीं करना पड़ता। क्रॉन टैब क्या करता है, जब आपसे कोई पूछे कि ये टास्क चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो सीधे बोलो मैं क्रॉन टैब लगाऊंगा, कोई टास्क एक बार चले चल के खत्म हो जाए तुरंत मुझे ना हटाना पड़े, तो क्या लगाते हैं उस टॉपिक में, क्या चलाते हैं? एट एट चलाते हैं, ठीक है? अब ये टॉपिक और ये टॉपिक आगे जाके हम इसके एग्जाम्पल अभी करेंगे, ये टॉपिक फिलहाल अभी होल्ड पे है, लेकिन जो बात छिड़ी उसका क्रॉस क्वेश्चंस का आंसर आपको पता हो ना? हाँ चाहिए चाहिए। अब एक लास्ट चीज ध्यान से सुन लो, ध्यान से ये सुन लो, एक क्वेश्चन आपसे अगर यहाँ पे और पूछ ले मैं भूल जाऊंगा बाद में, मुझे पता है मुझे याद नहीं आएगा टॉपिक, अभी तुरंत बता देता हूँ। कोई आपसे पूछे फिर ये आरसी डॉट लोकल फाइल क्या होती है, ईटीसी के अंदर ये फाइल क्या करती है, फिर तो बोलो सिस्टम रिबूट होके आ रहा है, लॉग इन प्रॉम्प्ट पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ ये कमांड अपने आप चल जाए सर्वर के अंदर, उस केस में ये वाली फाइल यूज होती है ना कि बैशआरसी फाइल यूज होती है, क्यों बताओ? जल्दी से बताओ क्यों, क्योंकि बैशआरसी तब तक रन नहीं होती जब तक मैं सेशन ओपन नहीं करता। नहीं करता। आरसी डॉट लोकल कहती है कि मशीन ऑन होके आ रहा है, लॉग इन प्रॉम्प्ट पे जा चुका है, भले तुम लॉग इन करो या मत करो बट ये कमांड अपने आप चलनी ही चलनी है सर्वर के ऊपर, डन। तो वो कौन सी फाइल है, सर एक हिंदी बार में और पढ़ो बता क्या दो लिखा सर। है, क्या लिखा है हिंदी में पढ़ो, दिस कमांड दिस स्क्रिप्ट विल बी एग्जीक्यूट ड्यूरिंग द क्या है, बोट आपको बात समझ में नहीं, दोबारा फिर सुनो। अगर मैं बैशआरसी में कोई भी सेटिंग करता हूं और मैं ऐसे यहां से लॉगआउट करके बैठा हूं, तो क्या बैशआरसी अपने आप रन हो जाती है ऐसे, अगर मैं नहीं, लॉगआउट करके बैठा चुपचाप से, सिस्टम नहीं मैंने रिबूट मारा ऐसे करके, लो मैं चाहता हूँ सिस्टम रिबूट होके आ रहा है और लॉग इन प्रॉम्प्ट पे पहुंचे, लॉग इन प्रॉम्प्ट से पहले ही उसमें ये वाली कमांड चल जाए सारी अपने आप से, जैसे कोई स्टोरेज अनमाउंट हो जाता है सर्वर पे मान के चलो, या कोई सर्विस बंद होती है सर्वर पे, कोई कोई रीजन है कोई भी,
आप चाहते हो यार वो मुझे लॉग इन करके ना करनी पड़े, अब वो अपने आप हो जाए बैकएंड में, तो उन कमांड को कहाँ डाल दोगे फिर आप इस केस में? rc.local, rc.local लोकल के अंदर डालोगे, क्यों? क्योंकि इसमें जो चीज डालते हैं ना वो ड्यूरिंग द बूटअप ही मशीन में क्या हो जाता है, रन हो जाता है। रन हो जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और लिख दे रहा हूँ गलती से, कोई कभी पूछ बैठे आपसे कि बताओ फिर आपका ये डिफरेंस बताइए किसके बीच में, किसके बीच में, डॉट पेशारसी में और ETC देन RC डॉट लोकल लोकल फाइल में क्या डिफरेंस होता है? तो सीधे बोलना सर ये फाइल बहुत रेयर केसेस में काम आती है सर्वर पे, ये फाइल तब यूज होती है जब आप सर्वर के ऊपर कोई इश्यूज आते हैं मान के चलो बूटिंग के दौरान, और आप चाहते हो लॉग इन प्रॉम्प्ट पे जाते ही उस वाले इश्यूज को शॉर्ट आउट करना है, तो मुझे लॉग इन करके करना पड़ता है शॉर्ट आउट उनको, तो मैं चाहता हूँ वो कॉमन कमांड में इसी वाली फाइल में डाल देता हूँ ताकि वो ऑटो एग्जीक्यूट हो जाएंगी ड्यूरिंग द बूटिंग, हाँ डरिंग द बोर्ड बूटिंग टाइम। रिस्टार्ट वाली कमांड सर। लेकिन इसमें कोई टाइम टेबल का झमेला नहीं है, समझ में आ रहा है हाँ जी सर, ना, और लॉग इन भी नहीं करना, ये तो बूटिंग के टाइम चलेगा ही चलेगा। बेशार्सी तब रन होती है जब जिससे कॉन्फ़िगर करी आपने वो यूजर को पहले एक बार क्या करना पड़ेगा, लॉग इन चलना पड़ेगा। करना पड़ेगा। ये तो कौन लगाता है पता, डॉट बेशार्सी वाली फाइल? केवल वो लोग जिनको एवरी लॉग इन पे कुछ ना कुछ कमांड सर्वर पे पहले क्या करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है फायर करनी लॉगिन। पड़ती है, तो वो कहते हैं मुझे ना चलानी पड़े, तो फिर वो ऑटो एग्जीक्यूशन में डाल देगा उन कमांड्स को, और जो तुम चाहो जी तब सर, चला करें बस। तो फिर आप डॉट बैशआरसी में कोई एंट्री नहीं करोगे आप, डन ना? जी सर। हाँ जी सर बैस आरसी का तो जैसे समझ आ गया एक, लेकिन सर ये आरसी डॉट लोकल कोई एग्जाम्पल आपके पास प्रोडक्शन में कब यूज किया जाता है, मेरे लेकिन कोई एग्जांपल एक अभी तो मेरे पास एग्जाम्पल। नहीं है, अभी मैंने एक लाइन बोली थी आपने सुनी नहीं। मैंने कहा कोई स्टोरेज कॉन्फ़िगर है मान के चलो, और हाँ स्टोरेज जी सर्वर सर पे आपने एक्सेस कर रखा है यहाँ पे, बट पता नहीं जी क्या होता है रीबूट के दौरान ये सर्वर आपका स्टोरेज डिसकनेक्ट हो जाता है यहाँ से, तो फिर आप क्या करते हो ओके लॉग इन करके फिर वो उसको दोबारा कनेक्शन वाली कमांड चलाते हो उसकी, तब वो एक्टिवेट होता है यहाँ पे। तो हमने कहा यार ये जी ना सर करना पड़े, इसके लिए क्या झमेला क्या करें इसके लिए, तो आपने वो ड्यूरिंग द बूटअप RC लोकल में क्या कर दिया, आपने एंट्री करके छोड़ दी। छोड़ दी। ऐसा कोई भी इश्यू जो बूटिंग के दौरान आता है, सुन लो दोबारा हिंदी में बोल रहा हूँ, और लॉग इन के बाद फिर तुमको रिजोल्व करना पड़ता है वो चीज पहले, देन सर्वर आपका लाइव कहलाता है एक तरीके से मान के चलो, तो उनको बचाने के लिए फिर आप एंट्री कहाँ पे करोगे इसकी, आप rc.local ओके लोकल में सर। एंट्री करके छोड़ दोगे उसकी आप, ठीक है? और जब चाहते हो पर्टिकुलर यूजर पर्टिकुलर अकाउंट से कोई सेटिंग कमांड चलाना चाहता है तो वो अपनी अपनी डॉट बैशआरसी में करेगा, और ETC बैशआरसी में जो करोगे वो तो सबके कमांड सबके अकाउंट से क्या होगी फिर सेम चलेगी। चलेगी, हाँ वो भी जी अप्लाई हो जाएगी। क्रॉन्टेब और एट हमेशा टाइम टेबल से मतलब रखते हैं, बट एट जो टाइम बताया उसमें एक बार चल के तुरंत खत्म हो जाता है, क्रॉन्टेब तब तक खत्म नहीं होता जब तक मैं इसको मैनुअली खत्म ना ना करूं। कर इस सकते पूरे हैं, ना टॉपिक कर। में दो टॉपिक के एग्जांपल दिए बस मैंने, डॉट बैशआरसी कैसे काम कर रहा है और विम आरसी कैसे काम कर रहा है, ठीक है? क्रॉन्टेब वाला टॉपिक और एट वाला, ये टॉपिक अपकमिंग क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, हाँ सर कवर जो करेंगे, ठीक rc.local है? लोकल फाइल है, ये एडमिन रेस्पेक्टिव होगी या यूजर स्पेसिफिक होगी? एडमिन एडमिन मतलब इसको सुपर इसको फाइल को एडिटिंग के राइट्स यूजर के पास नहीं, नॉर्मल यूजर के पास, ओके, रूट यूजर ही ठीक यूज है? करेगा सर। सर हाँ बूटिंग प्रोसेस भी पढ़ाओगे आप आगे आने वाले चैप्टर? देखो चलो मैं थोड़ा आगे, हाँ भाइयों थोड़ा सा आगे चलूं, अब आते मुद्दे वाली बात पे। बताओ। अच्छा ये टॉपिक जो चल रहा था ना, टॉपिक सही दिशा में जा रहा है पता है, जो जैसे ये सारे क्रॉस क्वेश्चन पूछे ना आपसे मैंने, तो ये पूछ लेगा कोई ना कोई आपसे, ध्यान रखना, तो आप पंखे की तरफ ऊपर ना देखो, इसलिए मैंने क्या करके क्या करे सारे आपको, हाँ सारे बताएं आपको, ठीक है? सर नो एचएल क्लियर नहीं हुआ मेरा, क्या नो एचएल था उसमें डाउट बताओ, मतलब सर क्यों हाईलाइट किया था हमने, लेकिन मैंने हाईलाइट नहीं किया था, मैंने VI विम का बिहेवियर बताया था आपको, कि जो भी पैटर्न एक बार सर्च कर लेते हो वो हमेशा हर फाइल में क्या होता है हाईलाइट हो जाता है उसके अंदर। वो देखो मैंने क्या बोला था, इस वाली फाइल में आप गए गलती से, आपने नो लॉगिन सर्च कर लिया, सर्च हो गया, तो इस वाली फाइल में जब जब आप आओगे ना तब तक ये हाईलाइट ही मिलेगा आपको। लो जी तो आप बोलोगे सर तो परेशान हो रहा हूँ यार इस फाइल में बार बार, तो मैंने क्या बोला यहाँ कॉलन लगा के क्या कर दो, ठीक है अब समझ आया? ऑटोमेटिक डन सर। ठीक है अब आते हैं टॉपिक पे। अब मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूं जो बहुत खतरनाक है, ठीक है? सुनो ध्यान से,
कई बार ऐसा होता है जो रिपोर्ट्स बनाने वाले बच्चे होते हैं ना, जो मॉनिटरिंग वाली टीम में काम कर रहे होते हैं, मॉनिटरिंग टीम में क्या होता है, एक कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि जैसे फाइल में मैं बैठा हूं, अब मुझे यहां से बैठे बैठे ना लिनक्स के टर्मिनल पे कोई कमांड चलानी है और लौट के उसको पढ़ना है मुझे आउटपुट को, यहां वापस लौट के आना है, पता क्या करोगे यहां पे, देखो सिंबल लगा रहा हूं और देखो देखो स्क्रीन पे क्या हुआ है, ध्यान से देखो क्या हुआ है, एक डेट कमांड का आउटपुट आपके सामने क्या हुआ है, डेट कमांड का आउटपुट आ गया। गया ना। ये आ गया देखो यहां पे, मान लो मुझे पढ़ना था बस इसको, यार ये क्या लिखा हुआ है, अब दोबारा एंटर मार के फाइल में दोबारा आ जाओ, बस ऐसे यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दो आप। कई बार आपको फाइल में काम करते करते फाइल से बाहर नहीं निकलना, आपको बस आपको स्क्रीन पे जाना है, लिनक्स वाली कमांड फायर करनी है, बस उसको देखना है और दोबारा लौट के यहीं पे आ जाना है। क्या करोगे, कॉलन लगाओ, ऐसे करो जैसे मैंने अप टाइम कमांड चलाई, मैंने कहा भाई मुझे ये बताया ये सर्वर लाइव कितने घंटे से लगातार चल रहा है, रिबूट नहीं हुआ अभी तक, कह रहा लास्ट 6 मिनट पहले सर्वर आपने रिबूट मारा था, ये तब से अब सर्वर को चलते चलते कितना मिनट हो गया, कितना हो गया, 35 ऐसे मान के चलो 6 मिनट से सर्वर आपका अभी लाइव चल रहा है, आपका दोबारा लौट के वापस यहीं पे आ गया। कभी भी आपसे कोई पूछे यहीं से बैठे बैठे क्या मैं लिनक्स वाली कमांड टर्मिनल पे फायर कर सकता हूँ दोबारा से, कॉलन ऐसे करके देखो कमांड वहां चल जाएगी स्क्रीन के ऊपर, चल गई, दोबारा लौट के आ जी जाओ। सर। अब मैं बताने जा रहा हूं उस बच्चे के लिए, फाइल में काम कर रहा है वो, किसी लिनक्स वाली कमांड का आउटपुट ही इंसर्ट करना है फाइल के अंदर उसको सीधे सीधे यहीं पे, तो पता क्या करना, कॉलन डॉट नॉट डिट कमांड का आउटपुट सीधे फाइल में क्या हो गया देखो, इंसर्ट हो गलत जगह गया इंसर्ट हो गया है, अंडू कर दो। फिर आप कहाँ इंसर्ट करना है आपको, एडीएम के नीचे ऐसे कॉलन डॉट करेंट, आ गया, मैंने कहा डॉट करेंट अब टाइम का आउटपुट डाल दो फाइल के अंदर, मुझे रिपोर्ट भेजनी है किसी को ना, तो देखो वहीं पे रिपोर्ट आ गई, मैंने कहा यहां पे ऐसा करो फ्री हाइफन एच कमांड का आउटपुट डाल दो, किस कमांड का, -H. देखो मेमोरी यूटिलाइजेशन आ गया फाइल के अंदर, और मैंने ये फाइल जैसे सेव कर दी, लो दोबारा सीखो, दोबारा सीखो, फाइल में गया, किसी लिनक्स वाली कमांड का आउटपुट मुझे फाइल में डालना है बैठे बैठे यहीं पे, क्या करोगे, डॉट एल एस बी एल के पाइप ग्रेप सर्वर पर डिस्कनेक्ट जीबी का है, आ गया आउटपुट, टॉपिक याद कर लो, जब ऐसे करोगे तो क्या होगा, टू रन एनी लिनक्स बेस्ड कमांड ऑन टर्मिनल नॉट इन द, क्या है, फाइल याद रहेगा, और ये क्या है, सेम फाइल में जहां कर्सर पोजीशन मेरा कर रहा है वहीं पे उसको आउटपुट को इंसर्ट करना है, तो देखो यहां पे डॉट और आई क्या लगा दो, हाँ जी समझ आ तो रहा है सर क्या, इससे एक एग्जांपल ऐसा भी कर सकते हैं ना प्रोडक्शन में, कि हम लोग कोई वार लॉग मैसेजेस है उसमें कोई एरर है और एक हाँ टच उसको फाइल वहां हमने से आप निकाल वहां लो, से उसको फाइल में डाल दो ऐसे उठा के, फाइल मॉडल। ये जी काम आएगा, वही काम आएगा अभी टॉपिक, जी ये बहुत काम की बात बताई है मैंने, फाइल में लिनक्स वाली कमांड का आउटपुट सीधे फाइल में डालना है आपको उठा के, तो आप इस तरीके से लिनक्स वाली कमांड फाइल के अंदर बैठ के चला पा रहे हो, देखो एक तरीके से आप ना कर पाओगे, जी सर चलो ठीक है, इस फाइल से मैं ये बाहर आ गया ओवरराइट अभी, करेगा अपेंड कर। जहां कर्सर होगा सर उसके नीचे डाल देगा, पेस्ट करेगा उसको, ओके ठीक है, डेटा को कोई डिलीट नहीं मारेगा आपकी फाइल में से कुछ भी। अब एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं जो बहुत काम का है, कई बार ऐसा होता है डेवलपर्स को एक काम करना पड़ता है, पता क्या, कि वो एक फाइल में बैठा है उसमें से कुछ लाइन है वो उसको इस दूसरी फाइल में लेके जानी है और यहां पेस्ट करनी है उसको, पूरी फाइल पेस्ट नहीं करनी, कुछ लाइन इसमें से क्या करनी है, कॉपी पेस्ट करनी है और दोबारा इसको सेव करना है और फिर घूम के यहीं पे आना है, फिर यहां से कुछ लेके जाना है और यहां दोबारा पेस्ट करना है, फिर वापस आना है, फिर यहां से कुछ लेके जाना है यहां पेस्ट करना है, तो ये फाइल तुम्हारी बनके क्या होगी, तैयार, हाँ जी, हो गई तो ये कई बार प्रोग्रामर
या लिनक्स एडमिन कई बार इस चीज को यूज करते हैं आगे जाके। अब मैं बता रहा हूँ देखो कैसे होगा, फाइल टू फाइल कैसे मूव करते हैं देखो लिनक्स के अंदर ना, ये आपको बताने जा रहा हूँ फाइल टू फाइल मूवमेंट कैसे होती है। जैसे मैंने कहा भाई एक काम कर, इन 5 लाइन को कॉपी कर, 5YY कॉपी हो गया, दोबारा एस्केप मत करना क्योंकि एस्केप मोड में ऑलरेडी बैठे हैं आप, ठीक है। शिफ्ट कॉलन एडिट स्पेस स्लैश रूट, क्या किया क्या किया, या मैंने बोला टेम्प के अंदर एक रिपोर्ट नाम की फाइल बना, ध्यान से सुनो ये कमांड क्या करेगी, एडिट कमांड इस फाइल में मुझे लेके जाएगी, क्या करेगी, हाँ भाइयों ठीक है सर, अब दो कंडीशन है, ये फाइल पहले से है टेम्प के अंदर मतलब तो ठीक है, और नहीं तो ये फाइल यह बना बना देगी। देगा फाइल, कह रहा भाई ये फाइल ना यहाँ पे है नहीं, नई फाइल बना रहा हूँ मैंने, ठीक है पी से अब कर लो पेस्ट यहाँ पे, अब आई प्रेस करके इसकी इसको सेट कर लो ऐसे। अब मैंने कहा इसको सेव करके बाहर नहीं आना, दोबारा उस वाली फाइल में वापस जाना है, क्या करोगे देखो कॉलन, सॉरी ध्यान से देखो क्या करो, नीचे कॉलन डब्ल्यू ओनली सेव डब्ल्यू से क्या होता है, सेव एंड क्यूट या ओनली सेव, ये डेटा सेव हो गया मेरा, लेकिन मुझे अब दोबारा उसी वाली फाइल में बैक जाना है और दोबारा फिर यहां पे वापस आना है, अब क्या करूं बताओ। देखो 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 ध्यान से, फिर एडिट मारा और बैक वापस आया, ओके एडिट फाइल का नाम जी ये सर 3 लाइन मुझे कॉपी करनी है यहां से, 4 लाइन्स ले ली चलो मैंने मान लो, अगेन एडिट टेम्पलेट आया, जी देखो डेटा सर। तैयार होता जा रहा है मेरा। अब मान लो किसी और फाइल में जाना है मुझे, देखो कॉलन एडिट सिंह पासवर्ड एंटर, ये ऊपर का 5 लाइन चाहिए, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैं एक फाइल से बैठा बैठा फाइल टू फाइल क्या कर रहा हूं, खेल रहे हो मूवमेंट डन इसको सेव किया, दोबारा मैं आ गया घूम फिर के अपने रूट के अंदर, कौन सी फाइल में, अब मुझे ये लाइन चाहिए, 2YY एडिट टेम्प रिपोर्ट, ये पेस्ट, अब मैंने कहा इस वाली फाइल में आई प्रेस कर लेता हूं, अब जो काम करना है करता रहूंगा बैठा बैठा मैं आराम से, हाँ जी डन। अब मैंने इसको क्या कर लिया, फाइल को काम करके सबसे एकदम क्या आ गया, हाँ तो जो क्लोज होंगे सर सारी फाइल क्लोज हो जाएंगे सारी फाइल्स इज्जत से सेव करके मैं कहां पे आ गया, स्क्रीन के ऊपर टर्मिनल आ के गया, ऊपर। इस टॉपिक को सीख लो ये बहुत काम का है, काम आएगा आपके, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा हो क्यों टाइम खराब कर रहे हैं हमारा, लेकिन टाइम खराब नहीं करता मैं किसी का, ये ऊपर काम से के चला गया टॉपिक थोड़ा है, सा हाँ सर, थोड़ा सा दोबारा ऊपर से निकल सीखो, गया। दोबारा सीखो, फाइल में गया था मैं, हाँ जी जी कोई लाइन मैंने कॉपी करी, सर कॉलन एडिट मारा और फाइल का नाम दे दिया, एंटर मार लोगे, जहां पे जाना है ओके हाँ सर जहां जाना है वहां पेस्ट कर लो, हाँ जी डब्ल्यू क्यू सर करोगे तो ये फाइल से प्रॉपर सेव करके बाहर आ जाओगे आप, और टेम्प से क्या करोगे जी डेटा को देखोगे तो डेटा उसमें आपको वापस देखने लगेगा मिल जाएगा, लेकिन एक बात बताओ आपको इस वाली फाइल से बाहर नहीं आना था, तो मैंने फिर क्या किया था, डब्ल्यू फिर क्यू से ना एडिट करके किया था ओनली एडिट डब्ल्यू किया किया था। था, फिर लोकेशन इधर वाली दे दी वापस, फिर मैं इधर हाँ चला जी कर गया, दिया था फिर इधर जी चला सर गया, ऐसे समझो पता क्या, जैसे मेरे सामने कोई ये मंदिर है, ये क्या है, हाँ मंदिर टेम्पल मंदिर, यहाँ नीचे चप्पलें उतरी हुई हैं, ठीक है, तो आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक जगह बना रखी है, पहले यहाँ पे गए एक जोड़ी आपको सही लगी उनको यहाँ पे लेके आ गए, है ना, ये गए तुम्हारा घर है, अभी घर नहीं जाना चाहते आप, अब आप दोबारा गए यहाँ पे, ये लिया यहाँ एक से, प्रोजेक्ट उठाई ये यहाँ से लिया, फिर दोबारा यहाँ पे गए ये लिया, अब कितना जोड़ी हो गया, तीन जोड़ी 3 जोड़ी को लेके कहाँ गए वापस, अपने घर आ गए ये चप्पल चोरी करना सिखा रहा था मैं अभी आपको, ठीक घर है नहीं आया समझ नहीं में, गए हाँ भाई आगे सर। एक बार में एक जोड़ी लेके बाहर निकलना है तो ये वाला एग्जाम्पल है,
कैसे एक जोड़ी वाला देखो, कैसे फाइल में गए थे आप, डेटा लिया, पेस्ट मारा, डब्ल्यू क्यू से जैसे फाइल सेव करके, बाहर आ गए। लेकिन अगर डब्ल्यू वहां पे करता रहूं और एडिट एडिट घूमता रहूं ऐसे फाइलों के अंदर में, तो दैट भी फाइल टू फाइल मूवमेंट मूवमेंट होती रहेगी। कैसे करते हैं, ये एडिट कमांड बहुत काम आती है आगे जाके, इसको सीख लो आप लोग, ठीक है। सर इस एग्जांपल को पेस्ट कर दीजिएगा प्लीज, मतलब मेंशन कर दीजिएगा, क्या करूं, मेंशन कर दीजिएगा क्या वाइस वर्सा जो हम आ रहे हैं। सर, ये इसी लिखा सर तो एक सर है सर एक सर। क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ था इसी से रिलेटेड, कि बताओ। जैसे एक फाइल से हम दूसरी फाइल में सेव कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, तो अगर हमें वो 3 लाइन ओवरराइट करनी है पेस्ट करते टाइम, वो कैसे करेंगे? तो तो वो तो पहले वहां से उनको डिलीट मार दो वहां से, आप पहले डिलीट करने के लिए उनको डिलीट करके वो डेटा हट गया वहां से, और फिर वहां पे एक पेज पीस से पेस्ट मार दो उसको आप नहीं, जैसे इस सर तरह। बड़ा बड़ा डेटा हो ना, तो फिर वो 3 लाइन उस बीच में से वो हटानी है पहले तो। उतना लाइन वहां से सेलेक्ट करके डिलीट मार दो, ठीक है, ओके और ठीक फिर उसे पी से पेस्ट कर देंगे हम लोग, डन। अब देखो ये थोड़ा सा ओके काम का है, सर। इसको सीख लो ध्यान से आप। अब एक टॉपिक बहुत काम का है ये, और सीखो लास्ट में भी आप जाने से पहले, क्या कि यार जैसे फाइल में कई बार ऐसा होता है ना, वर्ड बहुत सारे गलत लिखे हुए हैं या कोई पैरामीटर्स हैं, बट मुझे चाहिए नहीं वो, तो मुझे उनको रिप्लेस करना है फाइल के अंदर बैठ के। क्या करना है, रिप्लेस करना सर। रिप्लेस करना है, तो वो कैसे होगा? रिप्लेस करने के लिए अब एक तरीका बताने जा रहा हूँ, सीखो ध्यान से। हाँ जैसे फॉर भाई क्या एग्जाम्पल बोलते यही वाली फाइल हो है, मान के चलो यही वाली फाइल है, सर। मैंने कहा इसमें से ना बीच में से ये हटा देता हूँ, ये ना बेकार सा लग रहा, थोड़ा अजीब सा ना, ये हटा देता हूँ, डन। हाँ भाइयो, अब सुनो सब लोग, भाइयो सुनो, जैसे सपोज करो कि मुझे ये नो लॉगिन वाला जो वर्ड है ना, ये बहुत सारे नो लॉगिन आ रहे हैं देखो यहाँ पे, हाँ हाँ जी, जी सर, ये मुझे चेंज करना है, मुझे यहाँ पे बैश लिखना है, क्या लिखना है? तो क्या करोगे, देखो बेस्ट यहां से कॉलन लगाओ, कमांड चला रहा हूं, कमांड वी आई वाली कमांड है, परसेंटेज का मतलब याद करो पहले, तो सारी लाइंस में कहां पे बोला मैंने, ऑनलाइन अगर वन लिखता तो ऑनलाइन केवल लाइन नंबर में वन में, वन में 10 लिखता तो लाइन नंबर 10, टेन परसेंटेज लगा दिया तो सॉरी सब में ऑल, नाइन 1, 10 लिखता तो 1 से लेके 10 10 तक। तक अब सुनो, मैंने लगाया परसेंटेज एस मतलब सब्सटीट्यूट सब्सिट्यूट, रिप्लेस करना चाहता हूं, 1 स्लैश, 2 स्लैश, 3 स्लैश, ठीक पहले 2 के बीच में आएगा जिसको ढूंढना चाहते हैं आप, सर्चिंग पैटर्न, यू वांट रिप्लेस विद दिस, 3 हो गए। अब एंटर मारो यहां पे, तो 14 लाइंस में 14 टाइम्स इसको पैरामीटर मिला था, उसने क्या कर दिया इसको चेंज? कर मैंने कहा नहीं सॉरी, दोबारा जहां आपने बैश लिखा है दोबारा उसे क्या करो, नो लॉगिन करो, ध्यान से देखो चेंज हो गया। अब मैंने कहा नहीं, वो लाइन नंबर 1 वाला जो रूट है ना उसको बैश करो दोबारा से आप, तो कॉलन 1s, नो लॉगिन, क्या करो ऊपर वाला, क्या हो गया? हाँ जी, क्योंकि सर इसमें तो परसेंटेज लगाया नहीं बन में। अच्छा लाइन नंबर 1 को किया है मैंने। अब यहां एक बात सुनो, जैसे मैंने पूछा इस वाली फाइल में रूट कहां कहां पे है, तो कह रहा रूट 4 जगह पे है, कितनी जगह पे, फोर टाइम्स परसेंटेज एस, रूट को चेंज करो नेटवर्क क्लाउड में, पर पता है गड़बड़ क्या, देखो ध्यान से, आपने यहाँ पे जी नहीं लगाया, देखो ध्यान से देखना क्या होगा, वो लाइन के पहले को चेंज कर दिया, बट देखो अगले वाले को चेंज नहीं करा उसने, नहीं यहाँ एक कर दिया, एक बार था इसलिए कर दिया उसने, लगा कमांड पता सही क्या है, रूट को चेंज करो नेटवर्क क्लाउड में, जी लगाते हो, पता जी का टेक्निकली मतलब क्या होता है, ग्लोबली, एक लाइन में जितनी बार आए उतनी बार करो, नहीं तो पता क्या करेगा, सिर्फ एक बार करके छोड़ पहले देगा पहले वाले को करेगा, आगे वाले को छोड़ देगा, और जी लगाओगे तो। सबको कर देगा उस लाइन में। अच्छा मैंने कहा नहीं, लाइन नंबर 1 से लेके 10 तक सब्सिट्यूट करो, नेटवर्क क्लाउड को वापस रूट में क्या करो,
अच्छा मैंने क्या पूछा है, कन्वर्ट केस सेंसिटिव, कैप्स में हो स्मॉल में हो मुझे नहीं पता, आई मतलब इग्नोर केस सेंसिटिव, इग्नोर कैन सेंसिटिव। चेंज हो गया। अब हमने कहा ऐसा हो सकता है, परसेंटेज एस नो लॉगिन, यान दो को बैश में करो, जी आई तो हो गया ग्लोबली, आई मतलब इग्नोर केस इग्नोर सेंसिटिव, केस सी सेंसिटिव, मतलब कंफर्मेशन। पूछो मुझसे पहले, आप करना चाहते हो चेंज आप, मैंने कहा यस हाँ यस, ये नहीं करना, एन एन एन, अच्छा ये करना है, हाँ जी ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना, आगे वाला नो, आगे वाले अब सारे करने हैं तो ए दबा दो, ए से क्या होगा ऑल, ऑल ऑल नहीं नहीं मैंने कहा आगे वाले करने ही नहीं है मुझे, क्यू से फिट कर दो। ऑपरेशन क्यूट कर दिया। नोट्स देखो ध्यान से जल्दी से एक बार, मजा आ जाएगा। पहली लाइन का मतलब बताइए, टू रिप्लेस रूट विद क्या है, नेटवर्क इन एवरी क्या है, लाइन ओनली वन एस मतलब लाइन नंबर इन वन वन, लाइन, फर्स्ट लाइन लाइन नंबर नंबर वन से लेके 13 तक कंफर्म जी आई सी, ये क्या है, बिफोर रिप्लेसिंग एनी वर्ड। कंफर्म करेगा आपसे, जी सर, और फाइल में कुछ काम नहीं करना, तो सर फिर एक ऐसे बार जी आई सी सीमेंट। वाला दोबारा एक बार बता दीजिए तो दोबारा जी आई सी बताऊं, वाला। देखो ये नो लॉगिन है दोस्त, ठीक है, परसेंटेज एस नो लॉगिन को बैश में करना है, और क्या टॉपिक था यहाँ पे, क्या जी टॉपिक था, आई क्या टॉपिक था, सी ग्लोबल वाला देखो है ना पूछ रहा है वो, ये चेंज कंफर्मेशन। करना है वाई वाई, नहीं करना नो नो नो, ये करना है यस, आगे वाले सारे करना है ए, डन। इसमें क्या ना, आप अपनी मर्जी बता सकते हैं मुझे क्या चेंज करना है, क्या चेंज करना नहीं करना, ये क्या तरीका था आपका, ये हाँ जी आई सी का, कंफर्मेशन जी आई सी का वाला, ठीक है, तो ये तरीका बड़े प्यार से, आप कभी फाइल में बैठे बैठे कभी भी आपको कोई पूछे कि जरा बताओ, आप इस वाली फाइल में बैठे हैं आप, ठीक है, ये बताओ ऊपर ये जो पहली लाइन है ना, ये कमेंट करनी है आपको, क्या करनी है, अरे पहली तीन लाइन आपको कमेंट करनी है, कैसे करोगे आप, कमेंट मतलब आगे हैश लगा दो, लाइन नंबर वन से लेके थ्री एस एक दो तीन कैरेट मतलब बिगनिंग ऑफ द, अरे लाइन बिगनिंग ऑफ द लाइन क्या लगा दो, हैश अच्छा इसमें जी की जरूरत नहीं, बताया आपको क्यों, बताओ क्योंकि ये तो लाइन की फर्स्ट बिगनिंग में बात हो रही है लाइन ना, है, हम तो लाइन के फर्स्ट में यस कर रहे हैं ना, तो कमेंट हो गया जरूरी देखो, नहीं हाँ है। अब ये जो हाईलाइट हो रहा है ना, ये हाईलाइट नहीं करना आपको, क्या करोगे बताओ, नो एनओ एच एल अब यू, एनओ एच एल यू ऐसे कर दो। देखो दोबारा वो पहली तीन लाइन को अनकमेंट करना है, बिगिनिंग ऑफ द लाइन हैश है, ये खाली तो है, ब्लैंक छोड़ दो। जी वन सर, से लेके हट तब गया, जी कर लोगे ना, सर फिलहाल मैं फाइल को क्यूट कर रहा हूं, एक बात बताओ दोबारा से, पूरी फाइल में जहां जहां एक कॉलन सिंबल आ रहा है कॉलन, इसकी जगह मैंने बोला तीन बार गिरदन लगा दो, देखना देखो क्या होगा, देखो देखो क्या हुआ, ग्रेटर देन आगे ग्रेटर की देन आ गए, अच्छा ये बार अंडू करना है जहां मुझे, तो अभी नहीं चाहिए मुझे, यू यू से अंडू कर दिया, कर लोगे, सर हैश वाले एक बार बता देना सर कमेंट पे। सर ये दोबारा मैंने कंट्रोल आर कर दिया, ये एस एस डी कमांड से भी तो होता वो टर्मिनल से करना पड़ेगा दोस्तों आपको, फिर है। अच्छा सर, ये मैंने बताया फाइल के अंदर बैठ के फाइल में ऑपरेशन कैसे करते हैं आप, ठीक है, हाँ कमेंट वाला दोस्त ये ओके था, लाइन नंबर वन को मान लो मैंने क्या बोला, कमेंट कर भाई, तो यहां पे मैंने बिगनिंग ऑफ द लाइन क्या लगा दिया, हैश, अब हैश मैं आपको बोलूं उल्टा कि नहीं, बिगिनिंग ऑफ द लाइन हैश है उसको हटाओ, तो ये मैंने खाली कर दिया, तो क्या हुआ देखो वो हट गया, डन ना, ये टॉपिक शायद मैंने आपको एक दिन एक क्लास में सेड कमांड से करने की कोशिश करा था, मैं आपको याद है यस सर कराया था। कराया था सेड कमांड से, यस सर इस बात को देखो ऐसे समझो आप,
जैसे ये इंट्रोडक्शनरी सा एग्जाम्पल करवाया था वाला, आपने ये। ये वाली फाइल है, ओवर द स्क्रीन अगर आपको करना है तो मैंने आपसे कहा था कि सेड कमांड आप ऐसे चला सकते हो सिंगल कोड के अंदर। अच्छा, यहाँ परसेंटेज नहीं लगाना पड़ता, याद रखना, कुछ नहीं लगाया तो इसका मतलब ये ऑल होता है। मैंने बोला कि रूट को चेंज कर दे नेटवर्क, ये क्या गया? तो देखो ये चेंज करके तो आ रहा है यहाँ पे आउटपुट के अंदर, हाँ, लेकिन क्या इसने फाइल में चेंज मारा है? नहीं। तो मैंने क्या बोला आप लोगों से, याद करो उस दिन, कि यहां जब आई लगा दोगे तो डायरेक्ट फाइल में क्या कर देगा ये भाइयों? अरे डायरेक्ट फाइल में क्या कर देगा? चेंज कर देगा। चेंज कर देगा। अच्छा, ये नहीं करना ऐसा, तो दोबारा मैंने बोला नेटवर्क क्लाउड को दोबारा क्या कर दो, चेंज रूट में, तो फाइल दोबारा वैसी होगी ना। देखो ये कर। ऐसे हो गया ना। तो ये तीन कमांड भी आपके मैं डाल दे रहा हूँ, ये टॉपिक वही है सेम अगर देखा जाए तो, लेकिन मैंने एक बार आपको करके दिखाया फाइल के। हाँ, बाहर से एक तो मैंने फाइल के अंदर करके दिखाया आपको सीधे सीधे, और एक बार हम लोग कर रहे हैं फाइल के टर्मिनल पे जाके। ठीक है, कर लोगे क्या? हाँ भाइयों, इसमें ये बताओ यहाँ एस के सामने कुछ लगा ही नहीं मैंने, तो किसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? कंप्लीट कंप्लीट फाइल, लाइन नंबर लिखा तो लाइन नंबर, और यहां से लेके यहां तक तो कॉलोन लगाएंगे ना फिलर वो पर। रेंज बता सकते हो ना, कॉमा लगा के। हाँ, हाँ जी रेंज बता सकते हो ना। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है आप सब लोग बड़े प्यार से इसको कर लोगे। अच्छा, सेट कमांड का ये रिप्लेसमेंट वाला जो ऑप्शन है ना, इसको दोबारा मैं आपको सही से पढ़ देता हूँ तो आपके समझ आएगा। देखो अभी क्या ना, मैं आपको एक काम करता हूँ, ये इसको कॉल करो ऐसे, और यहां पे इसको चेंज करो, पता कैसे? ये बताओ यहां पे रूट कहां कहां आ रहा है, लाइन नंबर 1 में? लाइन नंबर भाइयों 8 में? आठ में। ये बताओ, अगर मैं प्रैक्टिस ऐसे करके देखूं यहां पे कि रूट को चेंज करो, पहले तो ये देखो, जब मैंने जी नहीं लगाया इससे क्या होता है? देखो ये चेंज करा, बट आगे वाले से चेंज, नहीं और आपने यहाँ पे 1 लगाया तो देखो पहले वाले को चेंज किया है, अगले वाले को चेंज, और 2 किया तो सेकंड दूसरे वाले को पैटर्न चेंज को। किया है। अब देखो इसको नहीं करा, पता क्यों? क्योंकि लाइन में ये एक ही बार था। हाँ जी, और जी लगाया तो, अच्छा लो ली 2 और जी लगा दिया, सेकंड और सेकंड से आगे वाले, सारे और ऐसे लगाया तो एक लाइन में जितनी बार है, हाँ उतनी बार। हाँ भाइयों, कर लोगे दोस्तों? सर, एक लाइन क्लिक है कि एक लाइन में कितनी बार। हाँ एक लाइन में जितनी बार है उतनी बार चेंज करेगा ना। जी अब इसमें एक चीज देखो ध्यान से, क्या लाइन नंबर 1 से लेके मैंने कहा 10 तक कर भाई चेंज बस, तो देखो ये 10 तक करेगा। बट एक बात आ रही है क्या, कि सेड कमांड हमेशा आउटपुट पे काम करता है बाय डिफॉल्ट, जब तक इसमें आई कमांड आप, ना डाल तो दो। आई वाला प्रैक्टिकल यहां काम नहीं करेगा, ध्यान रखना ये वाला। क्यों पता है? बताओ, क्योंकि इसको आगे फाइल चाहिए, यहां पे फाइल का इनपुट है ही नहीं, तो इस कमांड को ऐसे ना चला के कहां चलाओगे? सीधे यहां लेके आओगे इसको, और फाइल का नाम कहां आएगा हमेशा? स्टार्टिंग ऐसे आएगा ना। अरे ध्यान दो भाई, इसमें क्या हुआ, लाइन नंबर 1 से लेके 10 तक मेन फाइल में इसने क्या कर दिया, अपडेट क्या कर दिया बताओ, जल्दी बताओ, मेन फाइल में चेंजेस कर चेंज दिया। मार दिया ना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ खतरनाक वाली, अगर कोई आपसे पूछे सेड कमांड में एक बार में आप एक पैरामीटर रिप्लेस कर रहे हैं या सर नो, अब देखना, एस मैंने कहा रूट को नेटवर्क में करो, अगेन हाइफन ई, एस गेम्स को चेंज करो किसमें,
टॉपिक देखो क्या हो रहा है अभी। देखो ये नेटवर्क आ गया भाइयो, और देखो कहीं पे क्लाउड आ रहा है ये। हाँ जी, बट क्या ये बताओ आगे से इसने मेन फाइल में चेंज करा है अभी? नहीं ना, नहीं किया ना। नहीं तो तो अगर इसी में यहाँ पे हाइफन आई लगा दूं ऐसे करके, तो फाइल में चेंज हो जाएगा ध्यान दो, ई का मतलब इन यहाँ पे एक्सप्रेशन है। पहला एक्सप्रेशन ये दिया, अगेन ई लगाया, और आपने ये दोबारा से, हाँ फाइल। जी, यही ऑपरेशन कई लोग हाइफन ई ना लगा के पता है ऐसे करते हैं, ऐसे बीच में क्या लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, अरे बीच में क्या आ गया देखो ना, ये सेमीकॉलन सेमीकोलन आ गया, और आउटर पे देखो क्या आ गया यहाँ पे। और इस कमांड को अगर मैं हाई लगा दूं यहाँ पे तो क्या होगा? अच्छा, मेन फाइल में चेंज फाइल में चेंज करते हैं। मेन फाइल में चेंज हो गया, कौन बताएगा ये कंफर्म कैसे करोगे आप? अरे यहाँ पे ग्रेप हाइफन कैपिटल ई क्या चेक करके देखो, पोर्ट में जो था नेटवर्क क्लाउड नेटवर्क आ रहा है और क्या आ रहा है। में अगर ये आ रहा है इसका मतलब क्या है? अच्छा, चेंजेस हो गए। हाँ ये कमांड मैंने एक तरीके से और बताई थी आपको कि ई ऐसे करो, हाइफन ई, और ऐसे कर लोगे? हाँ जी, लेंगे डन ना। तो ऐसे समझो, पता है इसी बहाने हमने थोड़े से सैड कमांड के एग्जांपल इसी टॉपिक में हमने क्या कर लिए हैं, रिप्लेसमेंट वाले एग्जांपल हमने इसी में कवर कर लिए हैं, ऐसे मान के चलो। फिर मेरी बात दोबारा सुन लो, रिप्लेसमेंट आज के बाद आपको कभी भी करना हो तो दो तरीके से किया करो। जब आप फाइल के अंदर बैठे हैं तो फाइल के अंदर बैठ के फाइल के अंदर ही कर लो उसको आप, कोई दिक्कत है क्या? हाँ नहीं, अंतर लेकिन जब स्क्रीन पे कोई आउटपुट आ रहा है और आउटपुट को चेंज करना है तो क्या करोगे? कमांड यहां भी कर लोगे ना। तो थोड़ा सा ये डिटेल में हो गया टॉपिक, आप कैसे मान के चलो। फिलहाल मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ, पूरे कोर्स में आज के बाद जब भी मैं वीआई से किसी फाइल के साथ खेल रहा हूँ, ठीक है, तो आपको एक एक शॉर्ट कीज का मतलब पता होना चाहिए कि कौन सी शॉर्ट की क्या करती है, ये शॉर्ट की क्या करती है, ये शॉर्ट की क्या करती है। टॉपिक का कंक्लूजन सुन लो दोबारा से, केवल लिखने के लिए इंसर्ट मोड यूज करते हैं आप, किसी की से कुछ ऑपरेशन होता है उसको कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, एस्केप मोड के अंदर किसमें एस्केप करते मोड हैं, में। एस्केप। कोई भी वीआई और विम बेस्ड कमांड अगर आपको फाइल में फायर करनी है तो उसके लिए क्या करते हो? फाइल के अंदर जाए भी एस्केप मोड। एस्केप का मतलब मैंने क्या बताया, फाइल में बैठ के कोई भी ऐसी शॉर्ट की फायर करनी है जिससे शॉर्ट की से कुछ होता है तो एस्केप मोड में बैठना पड़ेगा। और कोई भी आपको वीआई और विम बेस्ड कमांड चलानी है तो किस मोड में बैठोगे आप? एस्केप वाले, सॉरी, किस में बैठना है आपको? कमांड मोड वाले प्रॉम्प्ट पे बैठना है। तो कमांड मोड किसको कहते हैं यहाँ पे? कॉलन। किसको बोलते हैं? कॉलम्स कॉलन को, याद रहेगा। कॉलम्स अब एक आपको ट्रिक बता रहा हूं। अच्छा, एक चीज नोटिस और करना जरा ध्यान से आप, जैसे मैं एग्जाम्पल वाली फाइल में बैठा हूं, कभी कर्सर मूवमेंट मैंने कैसे करना पड़ता, देखो ये तो राइट में जाता है, इससे इससे लेफ्ट में जाता है, इससे अप, और इससे क्या होता है, डाउन। डन, एक नई चीज सिखाता हूं आज आपको। देखो, एच लेफ्ट, एल से राइट, जे से बॉटम, और के से क्या होता है, क्या है, ये अरे सर ऐसे बताओ आप ऐसे याद करो दोबारा, शिफ्ट जी से बोटम बोल लेते हैं एच एल जे, और ये क्या है, की कभी कर्सर मूवमेंट जैसे आपको लगे ना, बच्चे आपके कीबोर्ड में से कभी ये की निकाल के भाग जाते हैं साइड वाली ना तो ये मान लो आपके नहीं है ऐसे ना, तो एच ऐसे, एल ऐसे, जे ऐसे, बॉटम ई एफ। अब आप बोलोगे ये चीजें आप कहाँ से निकाल के लाते हो, ये कहाँ से मिलती है आपको सारी चीजें, बुक में तो है नहीं, तो ये सब चीजें कहाँ? देखो ध्यान से, एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, देखो ध्यान से, कौन सी कमांड है, ट्यूटर विम ट्यूटर कमांड चलाओ। कई बच्चे पढ़ाई करते हैं इस तरीके से, पता है क्या, वो दो टैब ओपन करते हैं, देखो ऐसे क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन मारा, प्रैक्टिकल देखो यहां करता है बच्चा ऐसे करके, यहां वो घुस गया अपनी वाली फाइल के अंदर, याद रहेगा, और यहां ओपन कर लिया उसने विम किसको,
विम ट्यूटर कमांड आपको बताती जाती है एक एक करके, देखो इससे क्या होता है। देखो ये बता रहा है एच जे के, क्या होता है इससे, कोलन क्यू से क्या होता है, एक्स से क्या होता है, याद है मैंने पढ़ाया था एक्स आपको, आई से क्या होता है, ये प्रैक्टिकल लिखे देखो सारे यहाँ पे, ए से क्या होता है, डब्ल्यू क्यू से क्या होता है, एच जे अच्छा के एल कर्सर मूवमेंट कैसे होता है, क्विट फोर्सफुली क्या होता है, ये क्या होता है, हैं डी डब्ल्यू क्या होता है, डिलीट। हाँ वर्ड वर्ड तो डिलीट वर्ड आपको दिमाग ना लगाना पड़े, इसलिए ऐसे मान के चलो मैंने वो एक फाइल आपको डेडिकेट बना के दे दी जिसमें ऑलमोस्ट वो सारे ऑप्शंस हैं जो एक लिनक्स एडमिन को रेगुलर रूटीन में क्या करना पड़ता है, यूज भाइयों करने पड़ते हैं। करना पड़ता है। तो विम ट्यूटर एक कमांड याद कर लो, जो कमांड से कई बार आप क्या कर सकते हो, उस कमांड से क्या कर सकते हो, शॉर्टकट भी चेक कर सकते हैं। कभी आपका मन हो जैसे वी आई विम को यार मुझे और एडवांस लेवल पढ़ना है, इससे भी ज्यादा जो मैंने पढ़ाया अभी, वैसे मैंने जो पढ़ाया ना वो हद से ज्यादा पढ़ाया, ठीक है इतने की जरूरत नहीं है आपको, ये हद से ज्यादा है, इतना काम अगर आपको आता है वी आई विम में ना तो हाथ आपका बहुत बढ़िया चलेगा, ठीक है। फिलहाल इसको मैं यहां से क्विट कर रहा हूँ, कर लोगे इतना आराम से आप। हाँ जी, हाँ जी सर, अब इसमें एक टॉपिक ऐड कर रहा हूँ क्लास के अंदर, उसको सुन लो एक बार बस आप लोग। कई बार ऐसा होता है फाइल में आपने कोई रिपोर्ट बना के रखी है आपने पुरानी वाली, जैसे कोई लास्ट वाली कमांड का डेटा था वो आपने किसी फाइल में सेव कर लिया, बट उसी कमांड से थोड़ी देर बाद ना आउटपुट में कोई चेंज आया वो भी आपने एक फाइल में सेव कर लिया, क्या कर लिया, फाइल ध्यान में दो, सेव कर लिया। बट आपको ये नहीं पता लग रहा है कि पुरानी फाइल में क्या था, नई वाली फाइल में क्या चेंज निकल के आ रहा है। तो आप इन दोनों का ना आपको डिफरेंस निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, डिफरेंस कैसे डिफरेंस निकालोगे, देखो ध्यान से, देखो एक फाइल है एबीसी वन, प्रैक्टिकल देखो इसका, यहां लिखा हुआ हेलो इंडिया, राजू यहाँ राजू लिखा हुआ है, राजा यहाँ पे भी मान के चलो पहली लाइन सेम है दोनों में। हाँ भाइयो, जी सर, डेफ एबीसी वन और एबीसी क्या है, देखो ध्यान से, ध्यान से टू देखो, ये बता रहा है दोनों फाइल में बाकी का डेटा भाई तुम्हारा सारा सेम है, बट ये दो लाइन में आपको मुझे क्या मिल रहा, ये डिफरेंस टॉपिक काम आएगा जब भी आप किसी ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, पता है किसी फाइल का आउटपुट ले लिया आपने, फिर फर्दर फिर चेंज हुआ, फिर आपने आउटपुट सेव कर लिया, अब आपको देखना है कि पहले इस वाली फाइल में कितना था, इसमें अब कितना क्या दिखाई दे रहा है मुझे, तो डिफरेंस निकाल के आप इजीली क्या कर पाओगे उसी ट्रबल शूटिंग। हाँ भाइयों, सर, वो 2C2 का हाँ मतलब जी क्या सर, था? 2C2 जो बता रहा है फाइल लाइन में नंबर वो आपके टू में, ये आपकी चीजें मिसिंग है आपकी, ठीक है ये वाला चेंज है आपका, सी जैसे मैंने यहाँ पे से क्या किया सेव कर लिया, और हाँ एक जी आ बार गया। ऐसी फाइल में क्या करना इसको सेम रखना और यहाँ पे कुछ भी चेंज कर देना, ठीक है, तो ये कमांड काम आएगी आपके। एक तरीका और देख लो ध्यान से, क्या विम डिफ करो यहाँ पे एबीसी वन और एबीसी क्या करो, ये उसके लिए है जब जैसे बच्चा कर्सर वाई कर्सर इसको पढ़ना चाहता है बड़े प्यार से, ऐसे देखो ये अपने आप आपको दिखा देगा कि भाई इसमें मिसमैचिंग ये वाली मिल रही है मुझे, क्या मिल रहा है, हाँ ये इन पैरेलल खोल देगा सर, दो स्क्रीन। हाँ वो दोनों कंसोल ऐसे ओपन कर देगा, फिर एक एक करके ऐसे इज्जत से बाहर आ जाना, ठीक है, तो ये भी एक सर एक तरीका बार है। दोबारा सर, क्या किया विम डिफरेंस? देखो ये फाइल ओपन करना है ऐसे, इसमें क्या ना इजीली आसानी से पढ़ पाते हैं चीजों को आप बड़े प्यार से, अच्छा, दोनों फाइलें एक साथ खोल के देख सकते हैं। ठीक हाँ है कंसोल वही कंसोल ऐसे ओपन कर सर, लेना, एक फाइल से दूसरी पहले फाइल में जाके आप क्या बैकअप करना डेटा है? उसके लिए यूज कर सकते हैं क्या, क्या कह रहे हैं आप, एक फाइल से फाइल से दूसरी पहले फाइल हम में मूव करना बैकअप है। लेते हैं जो फाइल का, क्या बोल रहे हैं आप, समझ नहीं आया मेरे। एक फाइल से दूसरी फाइल में पैरेलली दोनों को साथ खोल के कभी इसमें हाँ जाना है कभी उसमें जाना है, तो उससे जाएंगे कमांड से। नहीं वो फिर आपको फिर एडिट वाला फंडा यूज करना पड़ेगा आपको, अच्छा, वो एडिट के साथ उसके लिए जाएगा। मैंने आपको एडिट वाला फंडा बताया इसलिए मैंने आपको, ठीक है, लेकिन ये जस्ट आपको डिफरेंस आपको निकालना है जल्दी से आपको स्क्रीन के ऊपर आपको, तो इससे आप तुम्हारा काम रिपोर्ट कभी सुनना निकाल लिया करना आप, ठीक है। ओके, पेचिंग से पहले हम बैकअप लेते हैं किसी फाइल का, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इसे देखने के लिए।
तो एक ऐसे मान के चलो, पता है ये वीआईपी में हमने देखो यहां से पढ़ना स्टार्ट किया और बहुत बड़ा टॉपिक कवर किया, ऐसे ऐसे मान के चलो इस वाली फाइल को संभाल के रखना, ठीक है। ये फाइल बहुत काम की है, इसमें एक एक चीज मैंने बड़े प्यार से लिख के दी है आपको, कौन सा टॉपिक कैसे काम कर रहा है, कौन सी शॉर्टकट कैसे काम कर रही है, ठीक है। इसको अपने पास आप संभाल के रखना और इसी से क्या करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। एक वार्निंग आपको बता रहा हूँ, क्या किसी भी मेन फाइल में प्रैक्टिस मत करना अभी सिस्टम के अंदर आप, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया था, किसी फाइल का सैंपल डेटा कॉपी कर लिया, वहां प्रैक्टिस मार रहा हूं मैं आराम से। किसी ओरिजिनल फाइल में प्रैक्टिस तब तक मत करना वीआई विम की, जब तक आपको सही से आपको शॉर्टकट आपको तैयार भाइयों नहीं है। तो पूरा डिटेल में टॉपिक आपका कवर हो गया है, इसकी बड़े प्यार से इसकी आप प्रैक्टिस कवर करना, देन फिर आगे की कहानी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।